बच्चों, दिस इज अभिषेक, योर मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट एवर ऑनलाइन फेलिसिटेशन प्रोग्राम वेदांतु स्टूडेंट अवार्ड्स 2022। हाउएवर, कैसे हो मेरे शेरों शेरों, सब बढ़िया एकदम? भाई साहब सालों से चार्ट बता तो दो। अरे अर्पण जी नमस्ते, ग्लोरी जी नमस्ते, हाय शाम्भवी नमस्ते, नसीम जी नमस्ते, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग याद है मुझे यार, सब लोग याद है मुझे। इट्स रियली ग्रेट टू सी ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज क्रेजी। हाय केदारनाथ जी, लेट्स नाचो जी, थैंक यू सो मच, आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक, डोंट वरी गाइस, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। हाउएवर, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी विद यू, ठीक है, मुझे एक स्टोरी शेयर करनी है। तो बच्चों, ये कहानी है एक एवरेज स्टूडेंट की, जो पढ़ाई में ठीक ठाक था, जिसने क्लास 6 से लेकर 9 तक अपने एवरेज मार्क्स बनाए रखे, पर 10th में पहली बार प्रेशर की वजह से वो बच्चा फेल हो जाता है और पीटीएम में अपने पेरेंट्स की भीगी आंखों को देख के वो खुद से एक प्रॉमिस करता है, जिन दो लोगों ने पूरे 15 साल तक मेरा ध्यान रखा, आज मेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू कैसे आ सकते हैं? अब चाह के कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही मेंटल स्ट्रेस या सीवियर माइग्रेन हो जाए, अब से हर एग्जाम में जो मैं दूंगा उसमें टॉप करूंगा, ऐसे बच्चे ने प्रॉमिस किया अपने आप को। दिन रात पढ़ाई में झोंक देता है और क्लास 11th में टॉप करता है, पर वो वहां नहीं रुकता, वो क्लास 12th में भी टॉप करता है और प्रूव कर देता है कि एक एवरेज बच्चा अगर चाहे तो बेशक टॉपर बन सकता है ना। ये इंस्पिरेशनल कहानी शायद आप में से कईयों की कहानी ऐसी ही होगी, ऐसी हो ना हो, बट मेहनत आप सबने की है। उस बच्चे की तरह ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके कहानियां किसी तक नहीं पहुंचती और ना ही वो एप्रिसिएशन उनको मिल पाता है जो वो डिजर्व करते हैं। पर टेंशन की क्या बात है, वेदांतु स्टूडेंट अवार्ड 2022 इज डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग ऑल दो स्टूडेंट्स हु केप्ट पुशिंग देयर लिमिट्स एंड अचीव द टाइटल ऑफ टॉपर टू देयर नेम्स, और उन सब बच्चों को भी जिन्होंने शायद टॉप ना किया हो पर इंप्रूव ऐसे कर गए अपने मार्क्स को कि दुनिया देखती रहेगी। दैट बीइंग सेड गाइस, देयर इज अ पर्सन एट वेदांतु हु ऑलवेज टॉट अस टू पुश आवर लिमिट्स। आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेदांतु, हमारे अपने वंशी कृष्णा सर, एंड वुड रिक्वेस्ट हिम टू शेयर हिज वैल्यूएबल वर्ड्स। Thank you, Abhishek sir. So, my dear parents and students, I feel ecstatic to have this amazing opportunity to interact with you all. Before we start with the show, first, I would like to take this opportunity to thank each and every one of you for taking time out to be here. Thank you for making Vedantu a part of your journey in one way or the other. To all the parents out there of our beloved students, a special thank you for placing this immense trust in us and enabling us to unlock your child's potential. Vedantu mein na hum hamesha ye bolte hain ki if a child is given the right environment, great results is a consequence. So every day, every Vedan here thrives to make this possible and to make sure that we are able to give each and every child that environment they require to flourish. So thank you all once again for taking time out and joining us in our celebration. Bhai, maza aa gaya na? Thank you so much, Vamsi sir. Your words were really inspirational. Kaisa laga bachcho, Vamsi sir ka inspirational message aur thank you note? Are Madhu ji namaste. Are Krishna ji bahut bahut namaste. Soni ji namaste. यार भाई क्या कर रहे हो, जाओ इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे सब जगह शेयर करो इसे, सेशन स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगता है कि अभी तो 1000 लाइक्स क्रॉस कर देने चाहिए। चलो हिट दी लाइक बटन राइट नाउ, क्योंकि आज उन सारे बच्चों का यू नो सेलिब्रेशन होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट दिखाई है कि नहीं। अच्छा एक सेकंड, एक कमेंट आ रहा है, रुक जाओ। हाँ, एक कमेंट आ रहा है कि सर सेलिब्रेशन में और क्या क्या होने वाला है। हाँ, आई नो कि बहुत सारे बच्चों पता नहीं कि एग्जैक्टली पूरे सेशन में क्या होगा, तो आई एम गोना टेल यू दैट राइट नाउ, ठीक है? तो बता देते हैं भाई, चिल रिलैक्स, बता। अरे श्रीवास्तव जी बता रहे हैं आपको, वंदना जी बता रहे हैं, रुक जाओ। हाँ ठीक है, हाँ। सो
पर टॉपर्स सेलिब्रेशन के इस माहौल से मुझे मेरे एक स्टूडेंट की बात याद आ गई, जिसने मुझसे पूछा था, सर उन बच्चों का क्या जो टॉपर्स नहीं है बट शायद अपने आप को एक फेलियर मानते हैं। कितने लोग यहाँ पे अपने आप को फेलियर मानते हैं भाई? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस थिंक यार अगर मार्क्स नहीं आए तो फिर सर ये हालत होगी, नहीं आ गया तो ये हालत होगी, अपने आप को जज करते हो ना इस बात को लेकर। आई नो रुक जाओ। पर जो भी सारे बच्चे हैं ना वो मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, धीरे धीरे ही पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी क्यों कहीं भी बातें नहीं होती, क्यों उनको कोई नहीं पूछता, सब सिर्फ टॉपर्स की बात। वेल इन आंसर टू दैट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट वेदांतुस थ्री स्टूडेंट्स आउट ऑफ द मेनी लाइक दैट, जिनका सपना डॉक्टर बनना था पर नीट क्वालिफाई ना कर पाने की वजह से दे टुक अ ड्रॉप। फिर वेदांतु के साथ जुड़ के हमने उनके साथ मिलकर हर दिन 1% का इंप्रूवमेंट लाया उनके। ड्रॉपर से डॉक्टर तक का जो सफर था वो तय किया। हियर आई प्राउडली प्रेजेंट टू यू नंदिनी, इंप्रूव फ्रॉम 528 मार्क्स टू 637 मार्क्स। गीतिका इंप्रूव फ्रॉम 359 मार्क्स टू 671 मार्क्स। शुभम इंप्रूव फ्रॉम 352 टू 652 मार्क्स। यू नो व्हाई वी वर एबल टू मेक सच इंप्रूवमेंट्स? बिकॉज वी द टीचर्स ऑफ वेदांतु बिलीव दैट एवरी चाइल्ड कैन इंप्रूव एंड दैट ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव द पोटेंशियल टू बिकम बेटर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूअर वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स। And we believe in them and are always eager to celebrate their stories. So, bachcho, apart from celebrating these amazing toppers and hearing their inspirational stories, we have organized a full-fledged award ceremony. Dekha hai na IFA wagera sab, usse better hone wala. Aur sirf itna hi nahi, Vedantu is going to do some massive giveaways, and I mean it. And when I say massive, trust me, something really valuable is on the way for you guys. So make sure to stay till the end of the session. Itna main kehna chahta hu, samajh gaya na? Theek hai. Aur celebration ki bari ho aur teacher ki shaitaniya na ho, aisa kaise ho sakta hai? Hai na? Vedantu founders Pulkit sir and Anand sir ke inspirational speeches ke saath saath aapke favorite master teachers Harsh sir, Amrit sir, Anubha ma'am aur Arvind sir leke aa rahe hain super energy charged aur fun segments aapke seniors टॉप 10 रैंकर्स ऑफ 10th एंड 12th वेदांतु से, जो आपको इंस्पायर भी करेंगे और भाई एंटरटेन भी। तो मेरे शेर और शेरनियों, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इट टेक्स टू बिकम अ टॉपर। करीब से देखते हैं वो मेहनत और सैक्रिफाइसेस जो एक स्टूडेंट देता है इस टॉपर के टाइटल को हासिल करने के लिए। प्रेजेंटिंग टॉपर स्टोरीज। वेदांतु इस टाइप यू नो फरिश्ता टाइप एक आपको मिल गया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप टीचर से पढ़ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो क्लास में से। इन द टाइम ऑफ कोविड वेयर वी वर ऑल न्यू टू ऑनलाइन लर्निंग, वेदांतुस प्लेटफॉर्म मेड इट मोर कंफर्टेबल फॉर मी। आई प्रोबब्ली वुडंट हैव अचीव्ड द रिजल्ट्स दैट आई गॉट विदाउट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ वेदांतु। टीचर्स आर मच मोर हेल्पफुल, दे आर मच मोर ऑनेस्ट इन द वे दे टीच। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वेदांतु हैज प्रोवाइडेड मी विद इज अ प्लेटफॉर्म वेयर a very healthy competition exists. And Vedantu has like helped me a lot to learn about these new stuff. The period which I've learned the most in my entire life was during this lockdown period. That's mainly because of US. The concept that offered by Vedantu is so good that changed my entire mentality during the study. We definitely need to clear all our doubts. So irrespective of time, where we can just mail it, we can just WhatsApp it out, and they reverted back to us irrespective of the time. It was so much helpful. Class ke baad ek bahut badhiya Vedantu ke paas se motivating si mail bhi aati thi ki aaj ki class mein aapne bahut badhiya kiya, aapka leaderboard mein ye rank aaya, like kafi acha lagta tha wo bhi. दो साल पहले मतलब इतना एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन नहीं थी, जैसे जैसे ऑनलाइन वेदांतु से जुड़ी है मतलब उसके बाद तो इसका मतलब एकदम ही चेंज हुआ जो मैंने देखा। जो आज पुष्पराज है वो सिर्फ वेदांतु की वजह से है, चाहे उसका इमोशनल है, चाहे एकेडमिक है,
चाहे सोशल सर्कल है। देखो थैंक यू जैसा वर्ड बहुत कम रहेगा उनके लिए जो उन्होंने बच्चों को दिया, शायद पेरेंट्स नहीं दे पाते। सो आई एम रियली थैंकफुल कि जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और कोचिंग दी। मुझे ट्यूबरकुलोसिस था और ये पता लगा था अप्रैल में। पापा मोटरबाइक मैकेनिक है और मम्मी घर घर जाके काम करती है। मतलब ऐसे रहता नहीं था कि रैंक लानी है, पिछले वाले जो टेस्ट थे उससे अच्छा आनी चाहिए, ये रहता था मेरा। मैंने मेरी गहने बेची थी ना, कड़े बेची थी, उसी कंप्यूटर लाए थे इनके, फिर पढ़ाई करवाई इसके। वेदांतों को जैसे मैडम उनको बहुत फ़ायदा होगा। पहले मैंने इनको काफ़ी कोचिंग्स कराई, ऐसी बात नहीं है, बाकी उन्होंने उसमें इतना मोटिवेट नहीं हो पाया था ये तो, इसे जिसमें इसने वेदांतों में इन्हें जो करके जो इसके जो बीमारी का पीरियड चल रहा था तो उसमें भी इसको उठाने का काफ़ी सहयोग मिला है वेदांतों से। मतलब इन कहानियों ने दिल छुआ कि नहीं आप लोगों? मैं यहाँ पे चैट देख रहा हूँ इसलिए मैं जब आपको एड्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इन कहानियों ने आपको दिल छुआ कि नहीं भाई? सुमित को ट्यूबरकुलोसिस था, फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये वही बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यार, दिल छू लिया ना, सच बता रहा हूँ। इस बात पे तो लाइक बनती है, इस बात पे फायर बनता है। आई रियली वॉन्ट ऑल गाइस टू स्पैम ऑन द चैट विद फायर सिंबल, हार्ट सिंबल, गाइस कम ऑन। मेनी ऑफ यू गाइस हैव ऑलमोस्ट द सेम स्टोरीज, कोई ना कोई एक हम सब इससे रिलेट कर पाते हैं, तो वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो बस अभी। चलो आगे बढ़ते। जब आंखों में लक्ष्य का साफ हो और शरीर में मेहनत का जुनून हो, फिर भले सामने आंधी या तूफान हो, सफलता के हर शिखर पर सिर्फ तेरा और तेरा नाम। बिग सल्यूट फ्रॉम माय साइड टू ऑल दीज टॉपर्स जिन्होंने अपने हालत को बढ़ने नहीं दिया और जो ठान लिया वो करके दिखाया। पर सिर्फ सल्यूट से काम थोड़ी चलेगा, ऑल दी टॉपर्स विल बी रिवॉर्डेड विद ऑसम वेदांतो मर्चेंडाइजेस और उसके साथ साथ वेदांतो की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस भी दिया जाएगा। And every Vedantu student will be rewarded a digital certificate of merit, which will be shared within 2 weeks on your registered email ID on Vedantu. तो जब मिल जाए, तो Instagram पर मुझे टैग जरूर करना, अभिषेक सर _ Vedantu मेरा इंस्टा आईडी है, ठीक है? उसके अलावा every student from Vedantu जिन्होंने 98% के ऊपर स्कोर किया है 10th हो या 12th, उनको 75% स्कॉलरशिप मिलेगा हमारे साइड से हमारे कोर्सेज के। एंड जिन्होंने भी 95% के ऊपर स्कोर किया है उनको 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी वेदांतो कोर्सेज में। एंड जो भी बच्चा 95% से नीचे है उन सबको, आई मीन सारे वेदांतो स्टूडेंट्स को 40% स्कॉलरशिप मिलेगी वेदांतो के कोर्सेज में। ये सारी चीजें आप लोगों तक विद इन 28 days तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो रिवॉर्ड्स तो इतने अमेजिंग हैं, बट नाउ लेट्स हैव अ लुक आखिर कौन है वो क्लास 10th और 12th के बच्चे जिन्हें इतने शानदार अवार्ड्स मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सो वी हैव कमिट का श्रीराम 99% क्लास 10th का क्या बात है। इस बार भी इंडिया के कोने कोने से क्लास 10th और 12th के टॉपर्स उभर कर आए। और जब टॉपर्स की बात हो ही रही है ना, तो टॉपर्स को बनाने वाले गुरु की बात कैसे ना करें, क्या कहते हो? आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर गुरु एंड को-फाउंडर। इनवाइट कर, कौन आ रहा है जल्दी बताओ चैट में, कौन आने वाला है? मैं बोल रहा हूं कि मेरे गुरु जी आने वाले हैं, तो कौन आ रहा है चैट में? स्पैम हो जाना चाहिए, पता होना चाहिए इस बात में कि भाई कौन आ रहा है। सर वेरा अदर टीचर्स देवव्रत जी आ रहे हैं, चिंता मत करो सब लोग आएंगे। फिलहाल अब मुझसे गांव चला लो। कौन आ रहा है गैस मारो देखते हैं।
हाँ एग्जैक्टली करेक्ट, आपके अपने, हाँ बिल्कुल एपी सर आने वाले हैं, तो को फाउंडर ऑफ वेदांतु आनंद प्रकाश सर, एंड विल आस्क हिम हाउ डज इट मेक हिम फील सीइंग सच अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ वेदांतु स्टूडेंट्स, और इन बच्चों के लिए उनकी तरफ से क्या मैसेज है, चलिए चलते हैं। एंड अभी टाइम हो गया है रिवील करने का कि कौन हमारे साथ जुड़ रहा है, और बहुत कुछ पता चलेगा। कम ऑन एपी सर, अभी तक आप रेडी नहीं है, आपको तो बहुत कुछ करना है अभी, नो? चलो रेडी है आप? यस। ओके देन, एपी सर इज रेडी, एपी सर को लेके चलते हैं एंड लेट्स रिवील द सरप्राइज। हो गया भाई, बहुत हो गया। सो हाय एवरीवन, सो बिफोर आई गो अहेड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट देयर एंड ऑल पेरेंट्स फॉर फैंटाबुलस रिजल्ट्स। आई नो आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, दैट ये क्या मैजिक पिल है हमारे पास जिससे हर साल, चाहे आप 2019 से 2020, 2021, कोविड नहीं था, कोविड आया, कभी भी आप ले लो, 10th के रिजल्ट्स, 12th के रिजल्ट्स, आप कोई भी ओलंपियाड की बात कर लो, आप फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, बायो ओलंपियाड, इवन द जूनियर साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, एवरीवेयर आवर किड्स, बच्चों ने फोड़फाड़ मचाया, मतलब सारे बच्चों ने हर रिजल्ट में टॉप जगह पे रैंक्स लिए हैं, एंड दैट आई से congratulations each and every student there, but I would like to congratulate every parent who had put the trust on Vedantu. So before I go ahead, first of all, big round of applause to all the parents there. But I have been asked this question ki kya magic pill, wo magic pill kya hai jisse ki humne har saal har results mein macha diya hai, chahe aap koi bhi top ka exam le lo, board ka exam le lo, JEE ka exam, NEET ka exam, board ka exam, 10th, 12th, हर जगह बच्चों ने बिल्कुल फोड़फाड़ मचाया, मतलब 50% स्टूडेंट्स के 90% के ऊपर अगर नंबर आ रहे हैं, मतलब आई हैव नॉट सीन लॉट ऑफ स्कूल्स डूइंग दैट, इवन द बेस्ट ऑफ द स्कूल्स नॉट डूइंग दैट, एंड देयरफॉर आई प्राउडली से दैट वी आर वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स आउट देयर फॉर ईच एंड एवरी किड टू पुट देयर ट्रस्ट, एंड बिल्कुल यहां पर एक बार एडमिशन ले लिया तो भूल जाओ। तो जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो, क्या इनोवेशन क्या है वेदांतु में, कोई मैजिक पिल है क्या हमारे पास जिसे किसी बच्चे को लाओ और रिजल्ट आ जाता है, मतलब आप सोचो हर दूसरा बच्चे का 90% के ऊपर नंबर आ रहा है, तो ऐसा हम क्या करते हैं? एंड आई हैव वन सिंगल आंसर, आई ओ ऑल दैट इनोवेशन टू द पीपल दैट वी हैव एट वेदांतु। सो एक बार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू। बिकॉज हर कोई बोलता है कि क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, क्या हमने कंटेंट बहुत अच्छा बना दिया, क्या हमने बच्चों के साथ ज़्यादा मेहनत कर ली। मुझे लगता है कि लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनोवेशन कोई भी नहीं है, एंड दैट्स वेयर वी एक्सेल, एंड आई एम सो प्राउड टू हैव ईच वन ऑफ यू आउट देयर। जो अगर बच्चा बोलता है कि मैं एक्स आवर मेहनत करूंगा, एक घंटा अगर मेहनत करूंगा, तो ये टीम बोलती है मैं दो घंटे मेहनत करूंगा, एंड दैट इज द टीम दैट वी हैव एट वेदांतु। And it all starts with our master teachers. So I would like to thank each and every master teacher out there. जितने भी teachers यहाँ पे हमें देख रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको बोलूँगा, they are the first touch point. They are the first touch point with all the kids. और आप क्या करते हो? आप बच्चों के अंदर वो विश्वास जगाते हो. Because it's not the subjects. Physics, chemistry, maths, bio, social, English. ये तो दुनिया में हर कोई पढ़ा लेगा. मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत मेहनत करते हैं, एंड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी टीचर आउट देयर जो वेदांतु में हैं और वेदांतु में नहीं भी हैं। बट व्हाट आई स्पेशली लाइक अबाउट द टीचर्स एट वेदांतु इज, आप इन बच्चों को ये केवल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहे हो, आप बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ दिखा रहे हो इन बच्चों को, आप इनको बता रहे हो कि फिजिक्स के बियॉन्ड, केमिस्ट्री के बियॉन्ड, बायो के बियॉन्ड भी दुनिया एग्जिस्ट करती है,
और वो दुनिया सबसे पहले है उनके अंदर का विश्वास, और आप अगर उनके अंदर का विश्वास जगा पाते हो वो सडनली उस बच्चे के आपको फोर्स नहीं करना पड़ता कि जाओ और अलग से मेहनत करो। हम वेदांतु में पेरेंट्स ने हर बार बोला है हमें कि बच्चे जैसे पहले हफ्ते वेदांतु से जुड़ते हैं 10 दिन 15 दिन के अंदर ही उनके अंदर एक विजिबल चेंज आ जाता है, सडनली वो बच्चा खुद से मेहनत करने लग जाता है और पेरेंट्स भी दंग रहते हैं कि मतलब एग्जैक्टली आपने क्या किया। और मैं ये बोलता हूँ कि शायद हम पहले 10 दिन 15 दिन पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों को समझने में ज़्यादा वक्त बिताते हैं और हम ये बताते हैं कि एग्जैक्टली उनको कैसे रहना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसे रहना चाहिए, आप स्कूल वेदांतु के साथ कैसे मैच करना चाहिए और आपको अपने ऊपर खुद के अंदर विश्वास कैसे जगाना चाहिए। एंड अगर किसी भी बच्चे के अंदर वो विश्वास जग गया तो सडनली मैजिक अपने आप ही हो जाता है। एंड दैट इज आई ओ दैट कूडो ऑल दैट कूडोज टू ऑल द मास्टर टीचर्स बिकॉज दिन रात उनका काम पढ़ाने के साथ साथ ये भी है कि उनके अंदर विश्वास जगाएं, प्यार जगाएं। एक महीने के अंदर वो कॉन्टेंट क्रिएट कर दिया और बच्चों के सामने वो कॉन्टेंट था एंड टीचर्स वेर टीचिंग ऑन दैट कॉन्टेंट बिकॉज ऑफ विच दिस रिजल्ट मीन्स सो मच टू अस, सो मच टू वेदांतु। So big round of applause to everyone. Second, उसके बाद बच्चों results में मुझे लगता है कि the second most ingredient, top ingredient is आपका विश्वास तो है ही, इन teachers की मेहनत है, content है, but उसके साथ जो हम overall जो वेदांतु का पूरा ecosystem है, हम दिन रात ये सोचते हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए जिससे कि आपका आप अगर एक्स लेवल पे हो तो आपको वाई लेवल पे ले जाए। तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे 90% 95% जेई में जिन एडवांस में जिन बच्चों का हो गया, शायद हम उन बच्चों को भूल जाते हैं इस प्रोसेस में जिनके मार्क्स 80 आए, जिनके मार्क्स शायद जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, जेई मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, नीट क्वालिफाई नहीं हुआ या ट्वेल्थ में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। तो क्या उन बच्चों ने मेहनत नहीं करी है? मुझे लगता है हर एक बच्चे को अपने को सेलिब्रेट करना चाहिए जो बच्चा मेहनत करता है, जो सिंसियर रहा है, नंबर आए या नहीं आए इट डजेंट मैटर बिकॉज मुझे लगता है कि लाइफ ना अभी जस्ट शुरुआत हुई है और लाइफ बहुत आगे तक जानी है। ये 10th या 12th के मार्क्स डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो, और अगर ये डिसाइड कर रहे हैं और ये आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स या आपके फ्रेंड्स ये बता रहे हैं कि इन मार्क्स के बेसिस पे आप अच्छे हो या बुरे हो, तो ट्रस्ट मी आपको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, वैसे दोस्त नहीं होने चाहिए आपके पास, क्योंकि एक्चुअली ये सच्चाई नहीं है। आई हैव सीन इन द लास्ट 17 years एंड इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन कॉलेज सो मेनी एग्जांपल्स जिन बच्चों के 40% आए, 50% आए, 60% आए, ऐसे बच्चे मेरे साथ IIT में जुड़े हुए थे, ऐसे बच्चे आज की तारीख में बहुत सारे आपके टीचर्स भी ऐसे बहुत सारे हैं आपके यूट्यूब पे या बहुत सारी जगहों पे जो शायद अपनी समय पे IIT नहीं गए, शायद नीट में उनका मेडिकल में क्वालिफाई नहीं हुआ, बट क्या वो सक्सेसफुल है? क्या वो मार्क्स ये बता रहे कि आज सक्सेस है या नहीं है? नहीं बच्चों, मतलब सक्सेस रियल मानने में ये होता है आपका विश्वास, और आप लाइफ में जिस समय आप जाग जाते हो कि मुझे कुछ करना है, दैट इज द रियल सक्सेस। और पुलकित सर एक चीज हमेशा बोलते हैं, Y=X², जो स्माइल होती है ना हम सबके चेहरे पे, वो फाइनली आपका सक्सेस बताता है कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप हंस सकते हो, खिलखिला के मुस्कुरा सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, कोई भी गम, कोई भी दुख आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, दैट इज द रियल सक्सेस फॉर मी एंड फॉर द एंटायर वेदांतु। इसलिए बच्चों आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू कीप स्माइलिंग, कीप दैट Y=X² ऑन योर फेसेस बिकॉज लाइफ तो अभी शुरू हुई है आपकी, और लाइफ में आगे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ से गुजरना है, बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी, ऐसा नहीं कि लाइफ विल बी वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू। वी हैव ऑल सीन सो मेनी पीपल अराउंड हियर हु हैव स्ट्रगल्ड एंड रीच टू देयर प्लेसेस, मतलब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं आपके, बहुत सारे मतलब बहुत सारे पेरेंट्स जो अभी देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे, आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा स्ट्रगल करते हुए लाइफ में एंड लाइफ में एक मुकाम तक पहुँचते हुए। तो लाइफ में स्ट्रगल नहीं खत्म होता है, वॉट एक्चुअली कैन स्टॉप इज यू गेटिंग डीमोटिवेटेड बाई दैट स्ट्रगल। आपको स्ट्रगल से फाइट करनी है और आगे बढ़ते जाना है, एंड ट्रस्ट मी लाइफ की एक्चुअल शुरुआत होगी जब आप Y=X² करोगे और अपने अंदर विश्वास करोगे। सो कीप स्माइलिंग, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड डू नॉट लेट एनीथिंग इन द वर्ल्ड टू टेक दैट बिलीफ आउट ऑफ यू। ये सबके लिए मैसेज है। सो एक बार फिर से वेदांतु बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। चलो केक काट लो, आ जाओ।
Well, हमारी पार्टी तो चलती रहेगी. Now Abhishek has lot of things to say. So over to you, Abhishek. वाह वाह यार यार बच्चों, एपी सर ओपी हो जाए चैट में जल्दी जल्दी से. एपी सर ओपी हो जाए. And I can see that we have reached 970 likes on Vedantu 910 channel. Can we cross 1000 likes right now? अभी के अभी. Hit the like button everyone. चलो जल्दी से देखते हैं. चलो एपी सर ओपी हो जाए सब चैट में. अरे क्या बात है क्या बात है. हाय हाय Vedantu rocks. Thank you so much, Vanita Vedans rock. Okay, this is crazy. Thank you so much, guys. Thank you so much. AB Saropi, I know. Thank you so much for, oh my God, we have crossed 1000 likes. Thank you so much, guys. Really means a lot. So thank you so much, AP sir. ये एक जवाब है उन लोगों के लिए जो ये पूछते हैं क्या ऑनलाइन लर्निंग इफेक्टिव है. तो बच्चों आगे बढ़ते हुए अपने क्यूट से स्माइल के साथ और हैंडसमनेस का लेवल बढ़ाते हुए आपके अमृतसर लेकर आ रहे हैं राउंड टेबल सेशन विद टॉपर्स ऑफ क्लास 12th. सो लेट्स वेलकम अमृतसर एंड हिज क्लैन. सो हाय गाइस वेलकम टू द सेशन एंड गेस व्हाट, आज हमारे साथ आप ही के साथ स्टूडेंट्स आए हैं जो कि पढ़ के जो आप ड्रीम करते हो कि यार आपको आईआईटी में इतना परसेंटेज लाना है, आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना है. तो गाइस आपके साथ से ही बच्चे जिन्होंने ये 11th क्लास में ड्रीम देखा था क्लास 10th देखे वो आज आए हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए हैं गाइस एंड दे आर गोना शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. एक होता है ना यार कि अगर किसी ने कोई चीज अचीव करी हुई है और अगर हम उनको देख के सीख सकते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू, है ना. ये कहते भी है कि यार सारी गलती आप खुद नहीं कर सकते एंड वी शुड लर्न फ्रॉम ऑल द पीपल हु हैव डन द सेम थिंग विच यू वांट टू डू. एंड ट्रस्ट मी बच्चे, हमारे बच्चे इतने प्यारे हैं एंड के पेरेंट्स दे आर सो सपोर्टिव एंड दे आर हियर टू शेयर यू नो देयर सीक्रेट्स विद यू पीपल. एंड गाइज ये हमारी पूरी फैमिली है जो Vedantu की. So they have agreed to, you know, tell you कि भाई उनके पास, you know, उनका experiences कैसे थे. और I guess this session will be helpful for the parents also, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही dear parents ने भी join करा है. वो बताएंगे, they will take us through, you know, their journey. So guys, let me introduce first Vaibhav and his father. Hi Vaibhav. Yes sir. Hello sir. Hi. Hello. Hi sir. Sir, your good name please sir. My name is Vijay Kumar Giri. Welcome Vijay sir. Welcome. To congrats. First of all, I want to congratulate Vedantu and Vedantu teams. Thank you sir, thanks a lot sir, because of your love and support, like aap logon ki wajah se ye, and especially because of, you know, Vaibhav and, you know, students. So yeah, thanks a lot sir. So welcome to the session sir. I'll introduce the other parents also and then we will go on with the segment. Okay, thank you. Hi Medhavi, how are you doing beta? Hi sir, I'm doing good. Welcome to the session sir. Namaste sir, welcome to the session. Namaskar, welcome sir, thank you sir. सर आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारी ऑडियंस के साथ. सर माय सेल्फ नीरज सोंग, Medhavi's father, एंड आई एम लेक्चरर इन फिजिक्स. ओ माय गॉड सर, आप भी लेक्चरर है, वेरी गुड, नाइस सर. सर यू आर फ्रॉम व्हिच स्टेट, आप कहां से हैं अभी? आई एम फ्रॉम हिमाचल, हिमाचल प्रदेश. ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस सर, लाइक यू नो माउंटेन्स एंड एवरीथिंग. यस सर, वंडरफुल प्लेस. थैंक यू सर, थैंक यू सर. सर लाइक एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जब स्टार्ट करते हैं यू नो लाइक कि हमारे बच्चों के मन में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, है ना. तो लाइक आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन टू Medhavi. बेटा लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज कि टॉपर्स ना मोस्टली कुछ सीक्रेट्स होते हैं, हमें लगता है वी थिंक कि यार टॉपर बनने के लिए कुछ सीक्रेट्स होते हैं. तो आपका ऐसा क्या सीक्रेट था, अगर आप हमें दो तीन पॉइंट्स बताना चाहोगे तो इफ यू वुड. Sir, I would say consistency is the main key for success. I would say like every day I made it a point ki zyada nahi to ek ghanta to zarur matlab revise karna hi karna hai. So I put my best efforts ki roz main at least book to khol lu hi zarur. That is and so of course Vedantu's classes regularly every day. Mein. Perfect guys, number one is consistency ki bhai you know हर रोज पढ़ना है, ऐसे नहीं कि एकदम एग्जाम से पहले एक दिन पहले जाके पढ़ लिया आपने, तो दैट शुड नॉट हैपन. सो आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन सर आपसे मिस्टर सोन सर, कि आपने देखा होगा कि Medhavi को प्रेशर हो रहा है, बच्चों का एक्चुअली स्कूल भी नहीं चल रहा था, देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर आल्सो हैपनिंग. तो आपको आपने कैसे मदद करी कि अपने बच्चे पे ज्यादा प्रेशर भी ना आए, और यू नो हाउ डिड यू हेल्प अ कोप विद दैट. सर वन थिंग इज गॉट कि ड्यूरिंग दिस टाइम कोरोना टाइम वाज देयर, सो देयर वर वेरी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस.
Yes, sir. It was very difficult for her to study. Yes, sir. We have found a way that we always told her, just give your 100%. Okay. Whether in at home or in examination center. Forget about the results. Always give your 100%. We always say to her, please don't worry about results. Give your 100% and definitely wonderful results will be there. Perfect. मतलब आपने pressurize ज़्यादा नहीं करा, आपने कहा बेटा अपना 100% तो हम आपके साथ हैं। Yes sir. तो I would like to say this, like अभी हमारे जितने parents हैं, this is very much important. हमें लगता है बच्चों के ऊपर pressure नहीं होता, but बच्चे आपस अपने आप से ही इतना ज़्यादा pressure लेते हैं, तो being supportive to the parents, like parents अगर support करते हैं बच्चों को, और क्योंकि ये सबसे पहला, you know, उनका exam, kind of a big exam of their life, क्योंकि college जाएंगे इसके बाद, तो ज़्यादा ही pressure होता है। थैंक्स अ लॉट सर, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए बिना पेरेंट की, जो भी है जस्ट टेल देम टू गिव 100% रिजल्ट पे फोकस ना करें। आई जस्ट टेक माय अदर पेरेंट एंड द यू नो वैभव विद अस। हाय वैभव। हाय सर। हेलो सर। सो वैभव, आई विल आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, ओके? सो दे से फॉर स्टडिंग जेई यू नीड टू स्टडी, यू नो, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ता है। So, how many hours did you study, and you know, how many hours you think students should study? Sir, hours study कितना करते हैं वो matter नहीं करता, बस ये matter करता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मुझे तो नहीं पता कि मैंने कितना घंटा हर रोज पढ़ा है, कोई वो नहीं था, पर हाँ इतना था जो पढ़ता था वो समझ आता था उस टाइम फ्रेम के अंदर में, और हर रोज पढ़ता था, ये मेन बात थी। तो बच्चों दोनों स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई, नीट वाले बच्चे भी कह रहे हैं, जेई वाले भी कह रहे हैं भाई, कंसिस्टेंसी इज द की। वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। आई एम लाइक, आई गेस आई एम करेक्ट, सही कह रहा हूँ मैं? Yes sir, yes sir. यार एक्चुअली होता पता है कि हमें लगता है कि यार आज ही पढ़ा आज ही सारा समझ आता है, बट एज आई गेस ऐसा नहीं होता, धीरे 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 करके। एंड आई बिलीव जो IIT और नीट है ना, ये हमें ना पेशेंस सिखा देता है, पेशेंस, डेडिकेशन, हार्डवर्क। यस सर, इफ आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। नो नो, यू आर करेक्टली, एब्सोल्युटली राइट। परफेक्ट सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल्सो। तो सर, अ ट्यूशन कैन यू नो डिसाइड अ स्टूडेंट्स फ्यूचर, सो On what basis you chose a student? Online जाना है, offline जाना है? आपने किस basis पे, you know, वैभव का tuition join कराया, आप सोचा? Tuition तो मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि required है बच्चों के लिए, for guidance के लिए। हाँ जी। इससे बच्चों को guidance मिलती है। अच्छा। और कम से कम उनको क्या पढ़ना है, क्या करना है, तो ये guidance होती है। बाकी जो हमारा है, चाहे proper motivation भी required है, लेकिन गाइडेंस है, वो गाइडेंस मिलती है ट्यूशन से। और ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो बात है, इसके लिए तो सबसे मुझे अच्छा लगा कि जो आप लोगों ने जो आपने प्लेटफॉर्म दिया, वो प्लेटफॉर्म से मैं कहीं सोच रहा था काफी, मतलब पैसे में ये प्लेटफॉर्म मिल रहा था मुझे, जैसे लोग अपने, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, चैतन्य नारायणा है, उसमें अपने बच्चे को भेज देते हैं, उनका कॉस्ट भी काफी हाई है। हाँ जी। वैसे प्लेटफॉर्म मैं चाहता था, जैसे काफी लोग देखते हैं कि अपना ट्यूशन, हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं बच्चे आते हैं स्कूल से, फिर ट्यूशन भागते हैं। हाँ जी। तो बच्चा को कंफर्टेबल होने के लिए, एक तो आए स्कूल से, चलिए आपका क्लास चलता था, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। हाँ जी। कि आप बच्चे अपने आराम से पढ़ रहे हैं, उनका जो डाउट है वो क्लियर हो रहा है। हाँ जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला जो प्लेटफॉर्म दूसरे जगह मिल रहा है वही हमें बहुत ही, मतलब क्या बताएं, जो कॉस्ट है आपका, जो भी इस कॉस्ट में मिला उसका मतलब आप कह नहीं सकता मैं कि क्या है। इट्स रियली प्लेजर सर। ठीक है, आपकी बातें सुन के ट्रस्ट मी मुझे हल्का सा गूज़बम्प्स भी आ रहा है कि मतलब लाइक हमेरा, जब हम बात नहीं कर पाते जनरली पेरेंट्स से, हम लोग ऑन लाइक यू नो कंप्यूटर के पीछे बैठे रहते हैं, बट लाइक आपकी बातें सुन के यू नो लाइक हमें बहुत ही मुझे बहुत पर्सनली बहुत ही अच्छी फीलिंग लगी सर। लाइक आई एम सो ग्लैड कि मेरे को ना आज बात करने का मौका मिला आपसे। बेटा मेधावी एंड वैभव, बेटा आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, आई वुड से कि लाइक यू नो यू शुड, यू गाइज आर डूइंग वंडरफुली वेल, ठीक है? एंड यस, एंड यू शुड मेक दिस काउंट बेटा, एंड आई कैन सी यू, जो आपके अंदर पावर है ना बच्चे, ट्रस्ट मी हमें लगता है, बट ड्रीम्स डू कम ट्रू, है ना बेटा? जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो बेटा आप, और आप ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा करने वाले हो। So guys, I'll ask one question from each of you, Vaibhav and Medha bhi, दोनों से एक question पूछूंगा। पहले Vaibhav, Vaibhav क्या आपका social media account है, like Instagram, Facebook वगैरह चलाते हो? सर नहीं, मेरा तो नहीं है, पर हाँ दूसरे चीजें, मतलब YouTube थोड़ा सा अगर वो है तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन हाँ उसको भी मैं बहुत टाइम के हिसाब से यूज करता हूँ, एक टाइम स्लॉट फिक्स कर रखा है, उस टाइम में ही बस देखता हूँ, उससे ज्यादा नहीं देखता। परफेक्ट। मेधा भी बेटा आप?
नहीं सर, एग्जाम टाइम पे तो नहीं था, अभी बनाया है। ओके, अभी एग्जाम खत्म हो गया, 12th से अभी आप कॉलेज आने वाले हो, तो यू हैव मेड इट नाउ। बट जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे 11th 12th पे, तब आपने ये कुछ करा लाइक सोशल मीडिया वगैरह पे आप एक्टिव थे? नहीं सर, एज सच नहीं थे बहुत ज्यादा। ओके, वेरी गुड। तो बेटा ये तो गिवन है, मैंने जितना भी देखा कि जो भी बच्चा ना लाइक सीरियस होता है, दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, एक्चुअली वो आपका टाइम खा जाता है, तो दैट इज वेरी गुड। तो बेटा ये सीख लो टॉपर से, ठीक है? सारे बच्चे जितने भी देख रहे हो इस वीडियो को, प्लीज अंडरस्टैंड जो सोशल मीडिया है, इट इज ईटिंग अवे योर प्रेशियस टाइम। ओके बेटा, तो प्लीज टेक दिस इनटू केयर। लेकिन दोनों टॉपर बच्चे, इन्होंने दोनों ने सोशल मीडिया यूज नहीं करा, आप कॉलेज जाके यूज करो, ठीक है? बट अभी राइट नाउ योर टाइम इज वेरी प्रेशियस। मिस्टर सोन सर, आप कोई टिप्स देना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स को आपकी तरफ से? सर मेरा एक ही सजेशन है कि गिव अ फ्री हैंड टू योर चाइल्ड। ओके ओके, बट इनडायरेक्टली कीप अ चेक ऑन हिम और हर। परफेक्ट, गिव कंप्लीट फ्रीडम, बट हाँ थोड़ा सा देखते रहो कि भैया मतलब ज्यादा यू नो लाइक व्हाट दे आर डूइंग, थोड़ा बहुत चेक रखो, कि अगर अदरवाइज बेसिकली दे आर किड्स। एग्जैक्टली, बच्चे का कभी भी ध्यान चेंज हो सकता है। That is why parents should be very vigilant. Perfect, sir. Perfectly well said, sir. Well said. Sir, आपकी तरफ से like any tips for the parents? मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे पे विश्वास बनाना सबसे बड़ा, मतलब उस पर विश्वास होना जरूरी है। आप विश्वास रखिए और बच्चे को मोटिवेशन आपके तरफ से होना चाहिए 100% हर कदम पे बस। और उसके साथ ये भी कहूंगा कि आप घर में मतलब जो भी हंसी खुशी का माहौल रखिए, उससे बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। परफेक्ट परफेक्ट सर, वेल सेड सर, थैंक यू थैंक यू गाइस। तो एंड ऑफ द डे लाइक पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि आप उनको, पेरेंट्स के लिए सजेशन है लाइक टॉपर के पेरेंट्स के थ्रू, कि आप उनको थोड़ा फ्री हैंड दीजिए, बट कीप अ चेक ऑन देम, क्योंकि एंड में जाके बच्चे ही हैं, थोड़ा सा भटकने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा सा फ्रीडम दे दीजिए, मोटिवेट रखिए, मोटिवेटेड रखिए, उनसे बात करिए बच्चों से, क्योंकि आजकल का हमें पता नहीं कि कितनी स्ट्रेस होते हैं, किस तरह के टेंशन होते हैं, तो उनसे बात करिए। बट या घर में थोड़ा हंसी खुशी का माहौल, थोड़ा उनको ब्रेक देने का भी, यू नो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। So I guess that's it guys. Thank you parents and thank you, you know, students, and over to you Abhishek sir. Ab aap aage leke chaliye. Thank you Abhishek sir, over to you. Thank you Amrit sir. To bachcho, kaisi lagi hamari Amrit sir ki cute si smile? Kaisi lagi aapko? Maza aaya? Did everyone enjoy that smile? Wo handsomeness ka level cross kar diya unhone dobara. ये समझ पा रहे हो ना कि मैं रोस्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, बट हाँ उस स्माइल के लिए एक बार यार हिट दी लाइक बटन फॉर श्योर, शेयर दिस वीडियो इमीडिएटली। अब आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच अमृत सर, द राउंड टेबल वाज रियली फन एंड इंस्पिरेशनल। भाई मैं तो भाई डेफिनेटली इंस्पायर हो गया, तो वेट फॉर द 10th ग्रेडेस्ट पीपल, उनका भी आने वाला बहुत जल्दी, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, जैसे हमारे क्लास 12 के बच्चों ने बोर्ड्स के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी, उसी तरह मैंने और आपके सभी मास्टर टीचर्स ने वेदांतु के एक एक सेशन में, फिर वो टेस्ट सीरीज हो या डाउट सॉल्विंग के क्लासेस हो, हमने अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी थी। और जब प्रिपरेशन शानदार होती है तो रिजल्ट का दमदार आना तो पक्का है ना। बट इट इज नॉट जस्ट टीचर्स बट द एंटायर बैक एंड टीम ऑफ वेदांतु हु वर्क राउंड द क्लॉक एंड मेक अमेजिंग थिंग्स हैपन, बिकॉज वॉट वी बिलीव इन इज वन स्टूडेंट वन आर्मी। To detail it further, once again I would like to request Vamsi sir to educate us with the amazing milestone Vedantu has achieved, and let's meet the team of the back end. Let's go. तो अभिषेक, इस बार मुझे अच्छे से पता है कि हम किन्हें ढूंढ रहे हैं, and that person is none other than our CEO Vamsi Krishna sir. तो चलिए उनसे बात करते हैं, नॉक किया जाए। हाय मामसी सर। हे अम्मा, हाय। तो आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट कर रहे हैं हम, 10th और 12th के अमेजिंग रिजल्ट्स को हम यू नो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सोचा आपसे भी बात की जाए इस बारे में। आई एम श्योर आपको भी बहुत कुछ कहना होगा, फ्यू वर्ड्स। भाई बहुत कुछ करना है, नॉट फ्यू वर्ड्स, बट आई थिंक इट स्टार्ट्स ऑफ विद to all the students and their parents, the amazing, amazing results. So first of all, congratulations and all the best for many such things in the future. I know it's just the start. And
we as a society tend to over index on successes based on these results. In fact, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि results नहीं, जो पूरी journey आप लोगों ने spend की है last 1 year, 2 years की, उसके लिए actually congratulations, because that's really success. So yes, congratulations to all of you. थैंक यू वामसी सर. एंड आई एम श्योर जितने बच्चे और जितने पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों ने कुछ सवाल भी पूछे हैं. एंड आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड होंगे कि हाँ चलो ऐसे क्या सवाल हैं. सुनते हैं. चलिए मैं आपसे पूछती हूँ ज़रूर. तो पहला सवाल हमसे पूछा है कूल डूड. ओके, आप देखिए आजकल के बच्चे ऐसे नाम रखते हैं. निखिल एट द रेट कूल डूड, उन्होंने पूछा है हाउ वॉज पैंडमिक डिफरेंट फॉर वेदांतु. Pandemic was on a personal note, obviously it was very stressful, not just for us but for the whole country. So obviously not very happy with the way it happened and all, but thankfully we are out of it now, right? Yes. And hopefully we are out of it hopefully, now. Hopefully, yes. But still take care everyone, right? Vedantu ke liye aur online education ke liye, Anubha, I'm sure as you know, this has been a very big shape shifter, if I were to use the word. Exactly. क्योंकि जब वेदांतो हमने शुरू किया था तब ये कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. सब एवरीवन यूज्ड टू आस्क अस कि ये ऑनलाइन कैसे पढ़ाई हो सकती थी. ऑब्वियसली इट वॉज वे बैक इन 2014. देन स्लोली स्टडीली वी डिड लॉट ऑफ थिंग्स, बट ऑनेस्टली 2020 के पहले स्टिल एक बहुत निश या कम लोग थे जिनको ऑनलाइन पे भरोसा था. Yeah, they used to think that यार ऑनलाइन पे पूरी पढ़ाई हो सकती है, especially for these big exams, right? Board हो गया या फिर JEE NEET हो गया. I would say the biggest change pandemic ने जो किया वो ये कि ये भरोसा जो है वो बिल्कुल यकीन में बदल दिया, right? Everyone and this results is a testimony to that, right? ये सब बच्चे full time, full online पढ़े हैं and तब जाके भी ये best results ever, right? तो ये तो मतलब ये तो prove हो गया, right? But as Vedantu or for the whole sector, this was a shape shifter. I think काफी adoption हुआ. मैं वेदांतु के numbers बता सकता हूँ. I'm sure you know this. I'm right? not very good in maths, but yes, मैं calculate करने की कोशिश करूँगी कितने zeros हैं. ये काफी zeros आए हैं. Yes. काफी zeros आए हैं. तो app वेदांतु का app है, बहुत popular है. तो वेदांतु का app install से मैं अगर बोल दूँ, last दो साल में, in fact दो साल भी नहीं हुए, like डेढ़ साल, दो साल के period में 2020 April से अगर मैं बोलूँ तक ऑलमोस्ट 52 मिलियन अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊं 52 मिलियन बच्चों ने इंस्टॉल किया है, राइट? यू नो, और अगर मैं टोटल K-12 के अंदर टोटल बच्चे जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है और ये बोलूं, वो नंबर अराउंड 90-100 मिलियन के आसपास है. तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा. आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट द जीरोस. मैं और नंबर्स देता हूँ आपको, राइट? सो अनुभव मैम, यूट्यूब, आप खुद YouTube में इतने पॉपुलर हो, आप खुद यू योरसेल्फ कंट्रीब्यूटेड टू दिस नंबर कमिंग फ्रॉम यू. बट YouTube के अंदर माइंड ब्लोइंग नंबर है. लास्ट डेढ़ दो साल में YouTube के सारे जो चैनल्स है वेदांतो के, 1 billion व्यूज लिए हैं हमने. वेदांतु का मिशन है कि हर बच्चे तक पहुंचे, हर घर वेदांतु, as we call it. But even for our paid students, that's almost like हर चीज में 10-12 times अपन ने स्केल इंक्रीज देखा है. तो अगर पेड स्टूडेंट्स में बोलूं तो ऑलमोस्ट 94-95 मिलियन आवर्स ऑफ पेड स्टूडेंट लर्निंग हुई है वेदांतु इकोसिस्टम पे लास्ट डेढ़ साल में, राइट? सो दिस एंड ऑल दिस नंबर्स, इसके पहले वाज प्रोबेबली 1/8 और 1/10 ऑफ व्हाट दिस. सो आई एम श्योर लाइक दिस देयर इज दिस वन फन फैक्ट जो मुझे हर्ष सर ने सिखाया था, बिकॉज ही नोज कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छी नहीं हूँ. तो इज लाइक मेरी एक टांग नकली है टाइम मुझे मूवी याद आ जाती है. बट अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट 24 घंटे भी पढ़ाई करे, सो आई थिंक उसको 10,763 इतना बड़ा नंबर लगेगा टू कंप्लीट
वेदांतु ने जितने यू नो वॉच टाइम जितना आवर्स दिए नंबर तो बहुत बड़ा है बट इससे पहले हर्ष सर विल बी वेरी प्राउड हर्ष सर मारना मत कोई गलती हो गई हो तो नहीं बट दैट इज राइट यू नो दिस नंबर्स आर अमेजिंग एंड आई थिंक ऑल थैंक्स टू द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स फॉर ट्रस्टिंग अस राइट इन बच्चे ने पूरे साल वेदांतु का पढ़ाई है एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट ऑल द वेदंस आल्सो क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ अगर ये नहीं होते वेदांतु नहीं होता अगर ये सिस्टम्स नहीं होते तो बच्चे कैसे पढ़ते राइट तो अगर 10 साल पहले ये होता जब हम पढ़ाई करते थे तब अगर ये पैंडेमिक आया होता तो हमारी पढ़ाई तो पूरी रुक जाती कुछ नहीं होता राइट सो आई थिंक इन दैट सेंस वेरी प्राउड ऑफ ऑल्सो दिस होल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस ऑफ प्लेटफॉर्म्स आई टोटली एग्री विद यू सर आई नो 12th क्लास में मैं थोड़ा बीमार हो गई थी और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मंथ स्कूल नहीं जा पाई थी एंड आई स्टिल नो कि वो कितना बड़ा लॉस था मेरे लिए क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था कि मैं घर बैठ के चीज़ें देख सकती सो दैट्स लिटरली अमेजिंग एंड सर हमारे पास और भी कुछ सवाल हैं तो लेट्स गो विद दैट अंशिका जी पूछना चाहती है दिल्ली से और उनका सवाल है कि अगर हम वेदांतों की बात करें पैंडमिक अभी ओवर हो गया है तो व्हाट विल बी द न्यू एक्शन दैट वेदांतु कैन टेक क्या ऑनलाइन लर्निंग अभी भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन आई वांट टू आस्क टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस बिकॉज यू आर वाचिंग दिस दैट मींस ऑनलाइन इज पॉसिबल वुड लव टू नो योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट एज वेल एंड ओवर टू यू वंशी सर सो अनुपमा मैम इसका आंसर तो बहुत सिंपल है ये सवाल मुझसे 5 साल 8 साल पहले भी पूछा जाता था जब कुछ नहीं था सो व्हेन वेदांतु स्टार्टेड इन 2014 is when the idea came about. We were the first company in India to think about this concept of live online classes. ये category exist नहीं करती थी. किसी को बोलते भी समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हो, right? You know, 4G नहीं, 4G तो छोड़ दो, 3G patchy था, 2G होता था तब उस समय, right? फिर आया 4G and all. So we have seen Vedantu from that time. So इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे थोड़ा सा फंडामेंटल रीजन ऑफ वेदांतु पे जाना पड़ेगा तो वेदांतु शुरू क्यों हुआ हम लोग मैं आनंद पुलकित द फाउंडर्स हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे वी वर टीचर्स देयर और हम लोगों ने 8 साल किया हुआ राइट और उसके बाद वेदांतु इसलिए स्ट्रांगली हम लोगों को यू नो आइडिया आया और हमने पुश किया बिकॉज जो प्रॉब्लम थी ऑफलाइन में वो ये थी कि बच्चा बैंगलोर दिल्ली टॉप मेट्रोस में तो फिर भी बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं चांस हो तो आपके पास बट एक रिमोट प्लेसेस में जहाँ से मैं पढ़ाऊँ आई एम श्योर आप आए हो वहाँ पे एक अच्छा टीचर चाह के भी मिलना मुश्किल हो जाता है राइट लकी हो तो मिल जाएगा आपको राइट आपकी किस्मत बट मुश्किल होता है ना हाउ डू वी एनेबल यूजिंग टेक्नोलॉजी की एक टीचर आप जैसे टीचर्स इंडिया के हर गली नुक्कड़ में भी पहुंच पाए राइट तो वेदांतु शुरू इसके वजह से हुआ था और ये नीड ये थी कि बच्चे को एक अच्छे टीचर से पढ़ना होता है आप ऐसे टीचर से राइट तो वो प्रॉब्लम मैम आज भी उतनी ही रियल है जितनी पहले थी पैंडेमिक आए ना आए राइट यू नो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जब तक नीड है मुझे लगता है मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि बिना टेक्नोलॉजी को यूज किए हम इस प्रॉब्लम को इंडिया जैसी कंट्री में सॉल्व नहीं कर सकते राइट तो मेरा तो मानना है कि वेदांतु तो छोड़ो ऐसे 100 कंपनीज की जरूरत है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम तो वेदांतु एक कोविड प्रॉन कंपनी नहीं है जैसे exactly, बोलता हूँ exactly, कि हम लोग कोविड में नहीं शुरू हुए हम उससे 6 साल पहले से शुरू हुए ये प्रॉब्लम आगे भी रहेगी पैंडेमिक रहे ना रहे और जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी जब तक एक बच्चा है जिसको एक अच्छी टीचर की जरूरत है हम करते रहेंगे और हम बढ़ते रहेंगे इवन वेन आई जॉइंट वेदांतु मेरे लिए भी बहुत ही फैसिनेटिंग था जब मैंने पहली क्लास ली अपनी ऑनलाइन के यू नो अरे वाह आई कैन इंटरैक्ट टू किड्स आई कैन इवन इंटरैक्ट टू पेरेंट्स एंड एट द सेम टाइम अगर मुझे कोई सवाल नहीं भी दिख रहा कि बच्चे क्या पूछना चाह रहे हैं वी हैव क्लास टीचर्स हु आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और मैम आपको ये भी मैं बताऊंगा यात्रा भी देना चाहूंगा कि ये सब होके भी ऑल ऑफ दिस कंबाइंड ऑल ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज राइट नाउ इन इंडिया में लेस देन 4% पेनिट्रेटेड है राइट ये सब करके भी तो अभी भी 95-96% बच्चे नहीं पढ़ रहे तो वो एक्सेस के अभी भी प्रॉब्लम है राइट और ये कोई नई बात नहीं है जब ई कॉमर्स इंडिया में शुरू हुआ था ये सब तब 2012-13 में भी वो लेस देन 5% ही थे राइट तो धीरे 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 अडॉप्शन बनता है तो ये स्टोरी छोटी नहीं है बहुत लंबी है एंड सिंस ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर देयर आई थिंक मैं इन लोगों को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि इन लोगों के ट्रस्ट की वजह से ही
हम लोगों को ट्रस्ट आता है कि हम ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और इनके वजह से और बाकी बच्चे और पेरेंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं. सो आई थिंक इन दैट वे दीज गाइस आर पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन. Yes. Right. So any message that you can give to all the parents who are watching this? सबसे पहले तो मैं thank you बोलना चाहूँगा, right? कि I think बहुत बड़ी बात है for trusting your child and child's future to a platform like Vedantu. I think बड़ा decision है. क्योंकि ये कोई transactional चीज़ नहीं है कि मैंने कोई food order कर दिया या कुछ order कर दिया online आया नहीं आया. ये बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है. तो सबसे पहले thank you बोलना चाहूँगा, और मैं ये भी आपको assure करना चाहूँगा कि अनुभव मैम बैठी हैं, मैं each and every Vedan Vedantu में feels responsible for this, right? और I think जो आप results देखते हो ये उसका जस्ट manifestation है, right? तो first of all thanks a lot and for trusting in us and helping us, you know, helping us be part of your journey, right? और ये हमें भी और करना है, करते रहेंगे. That was super amazing, Vamsi sir. आपसे इंटरेक्ट करके इतना अच्छा लगा कि बस मैं क्या बताऊँ. आई थिंक बच्चों को और पेरेंट्स को भी बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा, या बहुत कुछ इंसाइट्स उनके सामने आएंगे. एंड नाउ आई थिंक अभिषेक इज वेटिंग. सो अभिषेक, ओवर टू यू. ओवर टू अभिषेक. बच्चों, वैसे तो यार टीचर्स हैं जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं और आपके ऊपर दिन रात मेहनत करते हैं, बट हमारा काम उन टीचर्स पे मेहनत करना है, उनको खुश रखना है, उनको रेडी रखना है कि वो क्लासेस में आपके लिए बेस्ट तरीके से वर्क कर सके. सो आवर टीम वर्क्स डे इन डे आउट इन ऑर्डर टू सपोर्ट द टीचर्स इन प्रोवाइडिंग देम राइट विजिबिलिटी, इन प्रोवाइडिंग देम राइट ट्रेनिंग कॉन्टेंट, एज वेल एज इंश्योरिंग कि दे आर हैप्पी and satisfied when they come to you. हमारे results का सबसे secret recipe जो है वो है हमारे class का content. That is the quizzes, the hotspots, the slides that we use. And kids, we take utmost care कि किस बच्चे ने कितने quizzes attempt किए हैं, ठीक करे हैं, गलत करे हैं, hotspots का response कैसा है, and उसके base के ऊपर हम अपना content और quizzes design करते हैं, ताकि जब हमारे बच्चे final exam दें उनका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. एजुकेशन बीइंग अ वेरी इंफॉर्मेशन हैवी प्रोडक्ट रिक्वायर्स सम सपोर्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशंस एंड ग्राफिक्स, एंड सिंस लाइक इवन व्हेन वी वर किड्स वी यूज्ड टू ग्रास्प मोर रीडिंग थ्रू पिक्चर बुक्स एंड इलस्ट्रेशंस दैट सपोर्टेड द सब्जेक्ट. सो आई हेल्प इन मेकिंग दैट एंड मेकिंग थिंग्स ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग सो दैट यू गाइज enjoy while studying. The part that I love most about my job at Vedantu is that we are very student focused. Human-centered design is our pillar to success. My job starts right from empathizing with the students. We do gamify our products a lot. For example, the drum rolls that you see in the class, the leaderboard, the quizzes that you see in the class. I am very privileged to design those experiences for the students. Customer obsession for me is being aware of the fact that every child is different, that every child has different kind of challenges. So here at Vedantu, me and my team, we are trying to design a system which understands these challenges and at the same time is helping the student navigate through these challenges. जब student obsession की बात आती है, सबसे important चीज है बच्चों का experience अच्छा होना चाहिए. चाहे आप घर पे हो, चाहे आप गांव में हो, चाहे आप बड़े शहर में हो, चाहे आप 2G है, 4G है, 5G है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सबको सिमिलर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर, एंड दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ द टीम. आई नो यू आर टॉट एवरी डे इन द वेदांतु क्लासेस, बट लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट अस टीचिंग यू, राइट? वी ऑल्सो नीड टू नो वेदर यू एक्चुअली लर्नड व्हाट वी टॉट यू, एंड दैट इज व्हाट वी एज अ टीम ट्राई टू टेस्ट and diagnose and find whether you've actually learned what we want you to learn and what the system wants you to learn so that you can do excellently in your exams. Oh, hey, maza aa gaya yaar, maza aa gaya. Yaar, mujhe lekin aisa lag raha hai na ki I really think you guys should start sharing this video, kyunki bhai wo dekha wo army wala part, you know, जब मेहनत आप आगे देखते हो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इतना ही होता है वो ना. इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग इज समथिंग विच इज ऑलवेज शोन. इट्स नॉट द वर्क दैट गोज अंडर. तो दैट्स व्हाई वी ट्रूली बिलीव दैट इट्स वन स्टूडेंट वन आर्मी दैट वर्क्स बिहाइंड एवरी सिंगल स्टूडेंट, चाहे वो डाउट्स का हो, यू नो, सेशंस का हो,
टीचर्स का हो, कंटेंट का हो, भाई, सो फॉर मी इट ऑलवेज मीन्स वेदांतु इज लव। तो एक बार ये स्पैम हो जाए चैट पे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो थैंक यू सो मच अनुभा मैम एंड वंशी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर शेयरिंग योर यू नो लवली 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 अमेजिंग व्यूज ऑन इट। एंड थैंक यू सो मच गाइस, यू नो द एंटायर टीम ऑफ वेदांतु रियली मीन्स अ लॉट। तो दैट वॉज वेदांतुज टीम विच इंक्लूड्स थाउजेंड्स ऑफ वेदेंस, राइट, working tirelessly to make sure that every second that you spend with us adds tremendous value to your life. लग रहा है कि कुछ और कमेंट्स भी आ रहे हैं। हाँ, एक सेकंड, क्या कमेंट आ रहा है? सर क्लास 12th का राउंड टेबल तो हो गया, 10th का क्या? अरे यार रुक जाओ बच्चों, मेरे पता है 12th का हो गया, 10th का वाकई आ रहे हैं उस पे, आ रहे हैं उस पे, ठीक है। तो यू नो आ रहा है, चिल मारो, उसी पे जाने वाले भी अभी, ठीक है। सो टेंथ वालों से यू नो बहुत ज्यादा प्यार आपको पता है, क्योंकि अभी हम 9th चैनल में सबसे पहले स्ट्रीम कर रहे हैं इसे। और इस प्यार को और आगे बढ़ाने के लिए अनुभा मैम ने आपकी पुकार सुन ली है। तो रेडी हो जाओ बच्चों, क्लास 10th का राउंड टेबल जहां पे होने वाले हैं क्लास 10th के टॉपर्स। तो अगर आप अभी 10th ग्रेड में गए हो तो इनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो और बहुत सारी चीजें बातें होने वाली अभी। सो मेक श्योर दैट यू आर देयर राइट नाउ एंड यू नॉट लीविंग द सेशन गोइंग एट ऑल, बिकॉज गाइस दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग is going to happen to you guys in this session, apart from the giveaway. So, let's check out Anubhav Ma'am right now. Over to you. Hello, my lovely atoms. Hello, मेरे प्यारे बच्चा लोग. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हैं and बहुत अच्छी health में हैं. आज के session के लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा दिल भी थोड़ा धक-धक कर रहा है क्योंकि हमेशा हम बच्चों से मिलते रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, बट इस बार कुछ अलग, कुछ स्पेशल होने वाला है। हमारे साथ साथ 10th क्लास के 3 टॉपर्स ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी जुड़ रहे हैं। तो मैं बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ और बारी बारी से हम इन सब के बारे में बात करेंगे, बच्चों की जर्नी जानेंगे, पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी जानेंगे। सो आई एम होपिंग एंड विशिंग कि आप सब लोग भी बहुत रेडी एंड एक्साइटेड हो सबकी जर्नी सुनने के लिए। So let me just try to introduce, we have Nitish, we have Ritika and we also have Kanish. So bari bari se let me introduce and parents se bhi baat karte hain. Let's start with Kanish. Kanish, welcome and welcome to you too, ma'am. Kaise hain aap? Please bataiye. I'm fine, ma'am. You're absolutely fine. And what about you, ma'am? Aap kaise hain? Yeah, we are also very fine, ma'am. You must have seen Kanish in all the classes, that you know how he's doing and you're keeping a watch on him, or no, it was never the case. Ma'am, actually he is really very good in studies. Because of this COVID, no, ma'am. Mm-hmm. So his studies level came little down. So we were searching the tuitions here and there. So we found the Vedantu was the best one, and even for all the 4 subjects and even the fees payment also, everything was reasonable. So the teachers, master teachers are awesome. We are very happy with that. After seeing his performance, really, we were so excited. We are so happy. And thank you to all the master teachers, ma'am. Really, I'm happy. Thank you so much, ma'am. It really, really means a lot. And let's speak to Nitish and his parents also. Hi Nitish, how are you? Hello ma'am, I'm doing great. How are you? I am absolutely awesome. I'm so happy to meet your parents also. So parents, if you can talk about how you are and how was Nitish's journey here. The experience with Vedantu was really amazing. And the personal mentor, be it the Gokul sir, Akhil sir and the Saiket sir, and being his master teachers for each and every subject, they did an amazing job. As and when Nitish had any doubts at any point of time, be it night 10 o'clock or morning 5 a.m. So it's all required, it's just a WhatsApp photo of the problem or photo of the question, right? Yes. Immediately he used to get a call or he used to get a response via WhatsApp chats on the clarification, you know, the whole sum will be solved and it will be shared, and the whatever problems he was facing, you know, it will be very easily the way how Nitish could understand, that way it was put forward. So that way Nitish didn't face not even a single
issue or complexity or he didn't go through any trouble for understanding any concepts. It was so smooth. And even today, plus one SSLC, plus one is really tough. Yeah, it's beyond. It's a next level. whatever he has gone through in 10th, plus one is more difficult than that. And Vedantu is making his life easy. So happy to hear that. Even we are blessed to, have Nitish, such a good student. Now we also have Ritika and Ritika's mother. Hi Ritika, hi ma'am, how are you? Hello ma'am, hello. Yes, I can hear you. So just wanted to know from your mother, how was Ritika's, experience? I know I've spoken to Ritika before also, but I just wanted to know from your perspective. Actually, Ritika's childhood is a very good student. So, is the study ke time full time, matlab school bhi nahi available tha. 2 years pe mummy school jana hai. Isko admission nahi hai for 2 years, but main isko 2 years mein kaise bhi admission dilati thi, isko school jana tha. So, jab to bachpan se Ritika hai, study mein bahut zyada better hai. डे बाई डे बहुत ज्यादा अच्छी होती गई. और जब हम इसका भी 9th आया तो मैंने एक दिन इसको वेदांतु पे देखा क्लास लेते हुए. तो मुझे 2 मिनट का मैंने क्लास देखा, बट मुझे इतना अच्छा लगा, इतना इंटरेस्ट हो गई. मैं मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा आपका वेदांतु का, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा बच्चा एक अच्छी तरफ जा रहा है. इसको जो ये अच्छा स्टडी करके इसको और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जिससे और ज्यादा बेटर हो पाई. तो आपको पूरा है, मुझे पूरा भरोसा है दैट रितिका विल डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, इवन वी, एंड आई एम श्योर दैट समटाइम्स यू आल्सो फेल द सेम, दैट यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग इन अ राइट मैनर और करेक्टली और सो. सो इफ यू कैन टॉक अबाउट एनी वन और टू मिस्टेक्स दैट यू डिड एंड यू वर लाइक ओके दैट वाज नॉट अ ग्रेट थिंग एंड आई कुड इम्प्रूव. इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट एनीथिंग दैट स्टूडेंट्स कैन टेक एज अ लर्निंग. Yes, ma'am. The main mistake is procrastination. Once a concept is over, it is better to revise it at home yourself, doing self-study. Once the lecture is over and once the teacher teaches and you just listen to the class and don't do the study yourself, you won't actually understand the concept. The best thing to do is once the class is over, you can refer to the notes. You can solve the questions yourself. This will not only give you confidence, but you can also understand the concepts. Okay, so first thing is we should focus more on understanding the concept. That sometimes you felt that when you didn't get the things, you were like, okay, let me try to cram it or to remember it just like that. But we should focus on concept learning more, right? It's a great learning. And I'm sure students, you also believe in that, because we being teachers and students are toppers sharing that same thing, that really means a lot, that you learn from maybe the mistakes that sometimes we make. Yeah, yes. So we have Nitish, I have a question for you also, that most of the 10th graders, even when I was in 10th grade, I used to feel like whatever I study, I am not able to remember that much, hai na? Padhte bahut hai, but yaad nahi rehta. And I'm sure students who are watching this, I think some of them must be having the same issue. Whatever we studied, we are able to remember and recall 50-60%. So anything that you want to say here, what was your solution to remember the things, to keep in mind? I think more than remembering, it's important to understand it. And if you understand it, you'll automatically remember it. So say it's a it's a formula in math. If you derive it on your own, not only do you get the joy of deriving it, you'll also remember it for probably forever, because you did it yourself. And if you're talking about social studies or science, every time you read a page, just reflect back on it. Remember the main points and note it down. So when you're revising or studying, just go through the main points. No need to read the textbook as a whole. It's way too large to be read in a day or two. Yes. Students make this mistake to read each and everything. I think skimming is very important. That yes, you ma'am. Recall and try to remember the important things and try to apply that. Yes. Yes. It's a great thing to say. And practice. If you do it by yourself, that can help. Yes, great, Nitish. Great.
That's great. So, Ritika, coming to you. So, I have a question that, you know, sometimes students say that, so many students, that toppers are kind of having some superpowers. That whatever they study, they can remember everything. And whatever they read, they just go straight to their mind, you know. That it's not like they have to spend so much hours into this. So what do you have to, you know, share here? That what kind of a doubts you used to face, and do you also face similar problems, or it's just a misconception? I face doubts like for solving questions for math. So I had the doubts app where I used to post them and personal teachers to help out. And all the conceptual doubts I used to ask in the class. So if you revise and keep on revising, it will get clear in your head. So can you please help kids to, you know, understand this, that it's not about the superpower, it's about practicing. It's about, like, first you have to go through the concept, then make sure that all the concepts are covered, and you go through proper practicing of questions. All right. Mostly the generally, what's your duration? Like, how much time you give to studies each and every day? It varies. Like, on my mood. On my... Even I want to study. Sometime it could be 3-4 hours. Day. Sometime like 1 hour. Sometime no. I don't feel like studying today. Okay. So thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. So I'm sure students जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी सब लोग भी, कि आपको आज सारे बच्चों से, टॉपर से बात करके, पेरेंट्स से बात करके थोड़ा इनलाइटेंड फील हुआ होगा, बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे. एंड आई एम सुपर हैप्पी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला हैविंग ऑल ऑफ यू हियर. तो अभी इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं. एंड अभिषेक सर, ओवर टू यू, प्लीज प्रोसीड. भाई साहब, यार मेरे को ना पहले मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बहुत कम जोश दिख रहा है यार, मजा नहीं आ रहा बच्चों, बहुत जोश कम दिख रहा है मेरे को यहाँ पे. How's the Josh, people? I really want to know. How's the Josh? Everyone, go forward and let me know on the chat right now. Haan, exactly. Yehi toh chahiye. This is exactly what you want. How's the Josh? Aise spam karna, jaise hum karte hain hamare sessions mein, aise spam karna hai ki bhai sahab, aapka jo, you know, YouTube ka chat hai, wo crash ho jaye. Matlab yahan pe hamare bahut sare log abhi desktop khol ke baithe hain, laptop khol ke baithe hain ki YouTube crash ho jana chahiye. Aise spam hona chahiye. How's the Josh, people? This is what we are talking about. This is exactly what we are talking about. Thank you so much, guys. Thank you so much for this amazing love. Really means a lot, yaar. Or spam. Chalo, on fire. Thank you so much. That's what I'm talking about. Haan, ab aaya na Josh. Theek hai, ab shuru karte hain. To 10th walon ke round table dekh ke, man mein sirf ek hi baat aa rahi hai. Jo tum soch rahe ho, wo nahi, kuch aur hai. Ruko, batata hu. Theek hai? Hamare class 10 ke bachche class 12 se कम मेहनती तो बिल्कुल भी नहीं है, सब डाल देते हैं. पर बच्चों बताएं, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, पर एक और चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो है इनोवेशन. एज अ टीचर आई हैव ऑलवेज ट्राइड, एंड आई थिंक एवरी टीचर डज, टू इनोवेट आर टीचिंग मेथड्स. कभी स्टोरी टेलिंग, तो कभी रोस्टिंग, और हर बार कुछ नया करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है. बिकॉज इनोवेशन इज द हार्ट ऑफ वेदांत. आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड रिक्वेस्ट आवर को फाउंडर पुलकित सर टू टॉक अबाउट आवर पास्ट, करंट एंड फ्यूचर इनोवेशंस. एंड आई रियली वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइज टू सी दिस कंप्लीटली, क्योंकि इसमें आपने भी करोड़ों बच्चों का हेल्प किया है. और इस चीज के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब भी ये समझो कि हम आपको कितने दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं. सो पुलकित सर एंड अनुपमा मैम, ओवर टू यू. अरे वाह अभिषेक, इतना जल्दी इस बार, दैट्स नाइस, दैट्स इंप्रेसिव. वैसे मजा तो बहुत आ रहा है, बट आई एम लुकिंग फॉर पुलकित सर कहाँ हैं, चलिए उनको ढूंढते हैं. Let me check this cabin. I guess यहीं बैठे होंगे. Mm.
अरे हाय पुलकित सर। ओह हाय अनुभा मैम, हाउ आर यू? मैं ढूंढ रही थी। यस। तो आपको पता ही है कि हमारा फेलिसिटेशन फंक्शन चल रहा है एंड इट इज सुपर फन, बहुत मजा आ रहा है। अरे हो गया टाइम क्या? चलो चलो। टाइम हो गया और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, चलो। रेडी? चलिए, दैट सुपर नाइस सुपर नाइस। पुलकित सर, बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत सारे सवाल हैं आपसे, है ना? हमने एपी सर से बहुत सारी बातें की, हमने वामसी सर से बहुत सारी बातें की और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली, बट आई रियली वॉन्ट टू मेक श्योर कि बच्चों तक पहुँचे दैट वेदांतु इज डूइंग सो मच इनिशिएटिव एज वेल, इनिशिएटिव दैट इज हेल्पिंग देम टू लर्न मच मोर देन जस्ट यू नो जस्ट एजुकेशन, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। यस यस। तो आप अगर बच्चों को बताना चाहेंगे, पेरेंट्स को बताना चाहेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग ऑन दिस पार्ट? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट बच्चों, जैसा आप लोग सब जानते हो राइट, कि पिछले दो सालों में एंड इनफैक्ट वेदांतु तो कब से बच्चों को हेल्प कर रहा है, बट इन लास्ट टू ईयर्स वी रियलाइज कि देर आर सो मेनी चिल्ड्रन विच नीडेड हेल्प, जिनको जिनके यू नो कोविड के अंदर जिनके पेरेंट्स शायद नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, जिनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आए, तो उन बच्चों को हेल्प करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया मैम, हेल्प इंडिया लर्न, वी लविंगली कॉल इट HIL वेदांतों के अंदर। इसके थ्रू हमने हज़ारों बच्चों को NGOs के थ्रू कोऑर्डिनेट करके, गवर्नमेंट्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करके, हमने हज़ारों बच्चों को फ्री में पढ़ाया, हमने एजुकेशनल सपोर्ट दिया, वी बिकेम सॉर्ट ऑफ देयर अकेडमिक पेरेंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। और यू नो, जब मैं उन बच्चों से बात करता हूँ, जब उन बच्चों का फीडबैक सुनता हूँ, द वे दे ग्रू, द वे दे गॉट द अपॉर्चुनिटी, इट इज़ सो हार्ट वार्मिंग। सो HIL इज़ वन सच इनिशिएटिव जो हमने इस देश के गांव गांव के बच्चों तक, जिनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स था कोविड में, जिनकी लाइफ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा, जिनके पेरेंट्स शायद नहीं रहे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, उनको हमने बहुत हेल्प किया। एंड आई थिंक आई एम थैंकफुल टू एंटायर टीम एज वेल फॉर यू नो डूइंग इट आउट ऑफ लव एंड हार्ट। पढ़ाया है 9th 10th। Yes. So it was lovely experience. Yes, amazing. मजा आया बहुत। Yes, exactly, sir. So yes, that was a great initiative, and I was also feeling so much happy that I was also being able to become a part of that. उसके साथ साथ सर, you know that we are an edtech company, और technology हमारा सबसे important factor है। Yes. तो अगर हम technology की बात करें, what exactly Vedantu is doing कि हमारी technology शायद बेहतर है, शायद बच्चों के लिए ज़्यादा beneficial है? तो मैम, मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो। इनफैक्ट अपन लोगों ने 2014 में पहली बार इस देश के लिए लाइव ऑनलाइन लर्निंग का कंसेप्ट पहली बार हम लोगों ने सॉर्ट ऑफ इन्वेंट किया, हम लेके आए इस कंट्री के लिए राइट। सो तब से अपन लोग लाइव लर्निंग कैसे हो सकती है, हाउ कैन यू नो चिल्ड्रन लर्न लाइव ऑनलाइन, इसके ऊपर बहुत इनोवेशन किए हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने 5 पेटेंट्स फाइल किए हैं इसके ऊपर, एक पेटेंट हमारे US में ग्रांटेड भी है। नाउ इनफैक्ट लास्ट ईयर वी वर्कड वेरी वेरी डीपली ऑन हाउ कैन वी मेक लर्निंग सुपर इंट्रैक्टिव, सुपर फन एंड यू नो वेरी प्रिडिक्टेबल फॉर स्टूडेंट्स। जैसे बच्चों को डाउट्स आते हैं क्लास के अंदर, कैसे बच्चों के डाउट सॉल्व हों, कैसे बच्चों को क्लास के अंदर ऐसा लगे जैसे कि वो खेल रहे हैं, इतना मज़ा है उनको, कैसे बच्चों के लिए सुपर इंट्रैक्टिव बने सेशंस राइट। तो हमने लॉन्च किया वेव 2.2 विच यू नो क्रिएटेड अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर हाउ लाइव ऑनलाइन लर्निंग कैन हैपन। और अगर बच्चों आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा तो यू नो इस मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी करवाऊंगा वेव 2.0 के लॉन्च का वीडियो। दिस कम्प्लीटली चेंज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लाइव ऑनलाइन लर्निंग इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड, मेड इट सुपर इंट्रैक्टिव, सुपर फन, सुपर प्रिडिक्टेबल और टीचर्स के लिए वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, जिससे कि टीचर्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो That was one of our very big innovations. वही बात हो गई ना कि हमने वो नोशन बदल दिया कि घर से बैठ के सिर्फ हो ही नहीं पाएगा, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स भी आ पाएंगे। Exactly. मतलब घर बैठ के बच्चे, मतलब बोरिंग तरीके से नहीं, इंट्रैक्टिव फन तरीके से पढ़ पाएंगे। और जैसे आपने बोला, मतलब अपन ने तो रिजल्ट्स इतनी बार प्रूव किए, इनफैक्ट आज का फंक्शन ही उसके लिए राइट कि बच्चे घर से हो पाएगा। Exactly. घर से हो पाएगा और इस देश के कोने कोने से हो पाएगा। तो सर, क्योंकि हम इस बारे में बात ही कर रहे हैं कि घर से हो पाएगा, आई एम श्योर इवन आई एम फ्रॉम अ यू नो मिडिल क्लास फैमिली, और बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दे सम ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम यू नो अ पुअर बैकग्राउंड और नॉट सो मच यू नो मेंटेन्ड और समथिंग। तो कैसे हम हर एक बच्चे तक उस एजुकेशन को पहुँचाएँ और कैसे वी आर मेकिंग श्योर कि यू नो उनको अफोर्डेबल लगे एंड they would love to be a part of Vedantu, that yes, exactly. Vedantu is affordable as well. So ma'am, you are right. So jaise aapko pata hai, apan logo ka to mission hai right? Apna mission hai
टू क्रिएट इम्पैक्ट एट स्केल. मतलब जब वेदांतु शुरू हुआ था तो एक ही थॉट था इसके पीछे कि किस तरीके से हम आप जैसे अमेजिंग टीचर्स, मास्टर टीचर्स की टीचिंग को इस देश के कोने कोने तक लेके जाएं, राइट. सो हाउ कैन वी टेक सच अमेजिंग मास्टर टीचर्स टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री. सो उसके लिए एक तरफ तो हमें लर्निंग को सुपर फन बनाना है, इंट्रैक्टिव बनाना है, जिससे हमने वेव 2.0 की बात की, बट दूसरी तरफ हमें लर्निंग को अफोर्डेबल भी बनाना है. तो अफोर्डेबल बनाएं कैसे? तो बहुत सारे इनोवेशंस हुए, अपनी ग्रुप क्लासेस हुई, अपन लोगों ने ये मल्टी टीचर मॉडल इन्वेंट किया जहाँ पे मैम आप पढ़ाते हैं और आपके साथ में अमेजिंग क्लास टीचर्स होते हैं जो कि बच्चों के डाउट्स को सॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, राइट. उसी को एक स्टेप आगे लेके गए इस साल अपन, और अपन ने लॉन्च किया AI लाइव क्लासेस, राइट. सो वी यूज्ड टेक्नोलॉजी लाइक AI टेक्नोलॉजी, ऑल अवर एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट ऑफ लास्ट दीज मेनी ईयर्स, राइट, कि बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी बच्चों को पढ़ा सकती है, राइट. और इन सबको यूज करके हमने बनाया AI लाइव. भूख लग गई. Can I have a biscuit? Yes, 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 मैम. रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपके लिए. Sorry, हाँ, मतलब कौन सा लोगे आप? पापी पेट का सवाल है. लीजिए मैम, फॉर यू. एक yes, आप भी लीजिए, एक मैं भी लेता हूं. I love this one. हाँ. चॉकलेट बिस्किट मुझे बहुत पसंद है. प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर दैट. तो मैं बोल रहा था कि यू नो, तो AI लाइव के थ्रू अपन ने क्या किया, अपन ने जो JEE और NEET जैसे कोर्सेज हैं ना जिनकी प्राइसेस 2 लाख रुपए ऑफलाइन में 2 साल की होती है, राइट, वी रिड्यूस्ड इट बाय मोर देन 1/10. इनफैक्ट आज 5,000, 8,000, 10,000 की प्राइसेस, जैसी प्राइसेस में बच्चे पूरी JEE की प्रिपरेशन, पूरी NEET की प्रिपरेशन विथ यू नो आप जैसे अमेजिंग टीचर्स के थ्रू, विथ डाउट सॉल्विंग लाइव इनसाइड द क्लास, क्लास के बाद में डाउट सॉल्विंग एंड पावर ऑफ कॉन्टेंट. और आप तो जानते हो यू नो बच्चों को इतने अमेजिंग तत्व मिलते हैं, इतना अमेजिंग मटेरियल मिलता है बच्चों को, राइट. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है बच्चों से, दे लाइक हम तो स्पेशली तत्व बुक्स भी खरीदना चाहते हैं. एग्जैक्टली. तो ये सब अपन कर पाए विद द हेल्प ऑफ दिस AI लाइव, विच बिकॉज ऑफ विच टूडे प्रिडिक्टेबल पढ़ाई रखते हुए, क्वालिटी को इंटैक्ट रखते हुए, अपन प्राइसेस को 1/10 से भी कम कर पाए. और बच्चों क्या आपको पता है, वेदांतु में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, यू नो 60-70% ऑफ ऑल दीज चिल्ड्रन एक्चुअली कम फ्रॉम tier 3-4 टाउन्स एंड बिलो. तो इस देश के गांव गांव से बच्चे आज आप लोगों के साथ, आप में से कई होंगे ऐसे, और वो वेदांतु पे पढ़ पा रहे हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स ला पा रहे हैं, अपने ड्रीम्स को यू नो पूरा कर पा रहे हैं. मैम एग्जैक्टली, इवन आई एम अ पार्ट ऑफ AI लाइव सर, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. सोचा भी नहीं था कि अफोर्डेबल बनाने के साथ साथ हम इतना इंटरैक्टिव भी बना सकते हैं, which is super amazing. Which is amazing, right? Yes, but I also have one question to ask कि पिछले 2 साल आपको भी पता है सबके लिए बहुत मुश्किल रहे हैं ड्यू टू पैंडमिक, एंड हमने अमेजिंग ग्रोथ दिखाई इन पैंडमिक. नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग बैड हियर, बट यस, वेदांतों ने सुपर तरीके से ग्रो किया. अब बात करें कि अभी सिचुएशन चेंज हो गई है, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है. अब सवाल ये आता है कि क्या हम इसको फिजिकल एजुकेशन के साथ किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि वो बैठ के हम कनेक्ट कर सकें, बिकॉज इन एनी वे हमें आज के साथ चलना है, हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी है. सो व्हाट वेदांतु इज डूइंग टू मेक श्योर. एग्जैक्टली मैम, सो बिल्कुल सही पॉइंट है. देखिए वापस से ना वेदांतु के मिशन को मैं सेंटर पर रखता हूँ. अपना मिशन क्या है कि आप जैसे अमेजिंग टीचर्स, राइट, वो इस देश के गांव गांव में जाके अफोर्डेबली कैसे बच्चों को पढ़ा पाएँ, राइट. नाउ ऑफलाइन में प्रॉब्लम क्या थी कि आप जैसे टीचर्स इस देश के गांव गांव में तो पहले जा नहीं सकते, अगर जाएंगे भी तो अफोर्डेबली बच्चों को यू नो पढ़ाएंगे कैसे, राइट. सो हम लोग इस मिशन को आगे ले जाने के लिए, ऑनलाइन हो चाहे वो एक क्लासरूम के अंदर हाइब्रिड तरीके से बच्चों को पढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें अपन लोग कर रहे हैं, राइट. इनफैक्ट अपना फर्स्ट हाइब्रिड सेंटर गॉट लॉन्च इन मुजफ्फरपुर. आप लोगों ने अभिषेक सर, हर्ष सर के वीडियोज़ भी देखे होंगे. तो बच्चों वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर यूजिंग अवर टेक्नोलॉजी जिससे कि अमेजिंग टीचर्स इस देश के कहीं से भी, राइट, से अनुभा मैम बेंगलोर में है, सो शी कैन टीच फ्रॉम हियर इन द मोस्ट इंट्रैक्टिव वे इन साइड द क्लासरूम से इन मुजफ्फरपुर, राइट. सो वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी जिससे कि बच्चों को छोटी छोटी जगहों पर अमेजिंग टीचर्स का एक्सेस मिलेगा, अफोर्डेबल वे में मिलेगा, और क्लासरूम के अंदर भी मिल सकता है, राइट. तो ये सब कुछ अपन कर रहे हैं क्योंकि मिशन एक है, गांव गांव तक जाना है, हर बच्चे को,
हमें प्रिडिक्टिवली हाई क्वालिटी पे मोस्ट इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाना है. I've seen the video also of the classes and it is super amazing, sir. Yes. तो मेरा नंबर कब आ रहा है? बस मैम जल्दी. अब आपने बोल दिया, बस अब तो आने वाला है. Amazing sir, it was so lovely to talk to you. I'm sure audience को, बच्चों को बहुत कुछ पता चला होगा about all the initiatives that we are taking to make sure के education affordable कैसे हो सकती है. And Vedantu का mission is not only about के बस आपको educate करना है, आपको strengthen करना है, आपको और बड़ा बनाना है life में. And that's what I'll say, that Vedantu is not just an edtech company, it's just a feeling. And I'm so happy to be a part of Vedantu. It's like I'm a proud Vedan and I have a proud family. Yes, and it's a mission. और बच्चों आपके लिए एक last message मैं देना चाहता हूँ. अभी अपन ये felicitation function कर रहे हैं, right? अपन यहाँ पे toppers को felicitate कर रहे हैं. But बच्चों आपको यहाँ से जो message लेना है ना वो ये, we at Vedantu, as ma'am said, you know, we don't celebrate success in terms of ranks, you know, we celebrate the effort which has gone behind it. Aap sabki mehnat asli success hai. To ye bacche symbols hain us effort ka, ye bacche symbols hain hard work ka. Aur aapko ye seekhna hai, kyunki success bachcho wo hai. Aur yaad rakhna, jaise ma'am ne bola ki we are not a company to teach you subjects. Vedantu ek mission hai aapko zindagi ke liye taiyar karne ke liye, right? To chaliye, all the very best to all of you. एक साथ बोलते हैं सर, हैशटैग हर घर वेदांतु, हर घर वेदांतु. यस, ओ माय गॉड, इजंट दिस क्रेजी गाइस. आई कैन सी आयुष शर्मा सर, भोपाल में भी वेदांतु क्लासेस लाओ. अरे भाई ऑफ कोर्स, हमारी तो भाई यही चाहत है कि पूरे इंडिया में वेदांतु लर्निंग सेंटर्स हो. और आप लोगों को समझ में आए कि भाई टेक्नोलॉजी कैसे एजुकेशन को बदल सकती है, रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, दैट्स द राइट वर्ड. तो मजा आया सबको, तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले एक बार चैट में. आज पूरे सेशन उन्होंने बल्ले बल्ले नहीं किया यार, बताओ मुझे. यहाँ के लोग बोले कि बल्ले बल्ले क्यों नहीं किया आपने अभी तक. तो पीपल पुट डाउन इन दी चैट बल्ले बल्ले. दोबारा ऐसे स्पैम होना चाहिए कि यूट्यूब भी बोले ये सेशन वा का चल रहा है, कि भाई क्रास हो रहा है हमारा बार बार, है ना. तो चलो, थैंक यू सो मच पुलकित सर एंड अनुभा मैम वंस अगेन. एज पुलकित सर सेड, इनोवेशन इज नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट द इंटरफेस अपडेट और टेक्नोलॉजी. सच्चा इनोवेशन ये भी है कि हम आपको कितना समझ पाते हैं और आपके बेटरमेंट के लिए क्या इनोवेटिव स्टेप्स लेके उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाते हैं. एंड एज ए टीचर आई एम प्राउड टू से दैट विद द इनोवेशन ऑफ एआई लाइव वी आर एबल टू एड्रेस वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, दैट्स फीस. As we are able to provide quality education at just 10 rupees a day with Vedantu AI Live. Bhai, itni ki to hum lace packet kha jate hain. Hai na? Well, that's it. Ab finally waqt hai class 12th ke, India ke top 5 rankers ke achievements ko celebrate karne ka. Students, please welcome AP sir along with aapke favorite Arvind Kalia sir to present the awards to these amazing, amazing kids, top 5 12 students from Vedantu of the entire country. Learn how much ever you can from them. Let's go. और champions, what's up? क्या हाल चाल everybody? तो आज हम यहाँ पे आए हैं अपने 12th class के बच्चे जो topper रहे हैं इस बार boards में, उनसे आपको मिलवाने और उनको बहुत ही interesting way में felicitate करने में भी. यस सर, आपका कहते हो आज इनको बड़ी सी गप्पे शप्पे मारेंगे, बहुत कुछ जानेंगे भी, बताएंगे भी, और इनको एक बहुत नए तरीके में हम फेलिसिटेट भी करेंगे सर. इनफैक्ट आज बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा. तो मैं कुछ देर पहले बता रहा था आप लोगों को कि हर बच्चा जो इम्प्रूव करता है हमारे लिए वो खुद डायमंड है अपने आप में. और ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा मार्क्स लाना ही सक्सेस की निशानी है, बट हर एक टाइप के बच्चों से कुछ सीखने को हमें मिलता है. और जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, उनसे एक चीज जरूर सीखने को मिलता है जो आपने कंसिस्टेंटली हर जगह पे देखा, हर वीडियो में देखा, कि ये बच्चे बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन में. और एक चीज अगर हमें आज सीखनी है कुछ इन बच्चों से, तो ये तो सीखना ही चाहिए कि हर बच्चा कंसिस्टेंट रहे. बट आज हम क्यों बोले सर, आज तो इन बच्चों की बारी है. इनमें से कुछ बच्चों एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे एग्जाम देने वाले हैं संडे को, एंड देयरफॉर दे आर हियर to talk to you, share their experiences.
और इनके साथ खूब गप्पे शप्पे मारते हैं। सो हो जाओ तो यार बच्चों, एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरा साल वो एटीट्यूड मेंटेन करके रखा कि हैशटैग चक दे, फुल ऑन एनर्जी कंप्लीट ईयर के लिए मेंटेन की, तभी तो बोर्ड में फोड़ा बुरे हाल से एडवांस देने वाले हैं, कोई नीट का रिजल्ट का वेट कर रहा है, लगे हुए हैं तैयारी में बढ़िया पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तुम सारे सीख लो इनसे, जो स्पेशली 11वीं के बच्चे बैठे होंगे जूनियर यहाँ पे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और जो 12वीं के बच्चे हैं, यू नो वेरी वेल, पर्टिकुलरली इस साल तो वैसे ही बोर्ड के मार्क बहुत काम आने वाले हैं तुम्हारे। और दूसरी चीज, मैं बच्चों को हमेशा एक चीज बोलता हूँ, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, कोई भी, जितनी जोरदार तालियां मारोगे yes. उतने नंबर आपके बढ़ते जाएंगे आपके समय के लिए। ये जिंक्स है भैया। तो आओ इनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। गौरव, पहले अपना नाम बता दो यार। नाम तो मैंने बता ही दिया है। मार्क्स कितने हैं, कहां से पढ़े हो, सब बताओ। तो मेरे मार्क्स 98.2% आए हैं बोर्ड्स में, एंड आई बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेदांतु के 2 इयर्स लॉन्ग कोर्स के स्टूडेंट है, व्हिच हैज बीन वेरी हेल्पफुल। ओ फटे चक्के बेटा, 98.2 कैसे ले लेते हो नंबर यार तुम लोग। चलो, आई विल कम बैक टू यू गौरव, आई विल बी हैविंग वेल, आई वांट टू आस्क फ्यू वेरी गुड क्वेश्चंस फ्रॉम यू, बट उससे पहले को सबसे बात कर लेते हैं। हर्षित यार, अपने बारे में बता दो, कैसे मार्क्स रहे, कैसी तैयारी रही, कहां से बिलोंग करते हो, सब बता दो। मेरे मार्क्स 96.6% ओके, उत्तर प्रदेश में, वेदांतु के 1 ईयर कोर्स पर। अच्छा, तो 12th में ज्वाइन किया था, अरे क्या बात है। कहां से बिलोंग करते हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अरे क्या बात है। एंड मनीषा, जरा बताओ अपने बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा चौधरी एंड आई बिलोंग टू राजस्थान। इन 12th बोर्ड आई स्कोर 98.8% एंड ऑल थैंक्स टू वेदांतु, आई वाज स्टूडेंट ऑफ 2 ईयर लॉन्ग प्रोग्राम। मनीषा से पक्का पूछना पड़ेगा भाई, इतने नंबर कैसे लेके आते हो, क्या कहते हो चैट में बताओ भाई। तुमने सबने फोड़ना है ना, जो 11वीं के बच्चे बैठे हैं चैट में या 10वीं के बच्चे बैठे हैं सो चैट में, दे नो, उनको भी फोड़ना है इस तरह से। तो इनसे पूछना बनता है कि इन्होंने कैसे मैनेज किया भाई, कैसे कोई इतने मार्क्स लेके आता है। एंड ऑफ कोर्स गौतम, कमिंग टू यू, जस्ट लेट अस नो कि आपकी तैयारी कैसी रही, हाउ टू मच डू यू स्कोर या हाउ वाज योर प्रिपरेशन एंड हाउ मच यू स्कोर्ड। हेलो एवरीवन, आई एम गौतम शंकर, आई एम फ्रॉम केरला, आई स्कोर्ड 97.6% Great. In boards. I was part of 2 year long course in Vedantu. 2 year long course. And NEET aspirant, right? Yes, sir. So we have 2 NEET aspirant, 2 advanced aspirant in front of you talking about their journey. मतलब सर ये बताओ, मतलब 98 अपने समय तो मतलब 90 सोच के ही मतलब खुश हो जाते थे, मतलब एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री नीट एज वेल एज आईआईटी एंड दे आर रियली रियली इंस्पिरेशन, सो लेट अस लर्न फ्रॉम देम एग्जैक्टली इन बच्चों ने क्या किया इन 2 साल में 1 साल में जिससे इनके नंबर बोर्ड, क्योंकि बच्चों का सवाल रहता है सर कि बोर्ड और ये तैयारी जो है जेईई मेन या जेईई एडवांस या नीट की तैयारी कैसे मेंटेन करें, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद दिस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गौरव से पूछना चाहता हूँ। गौरव, तुम बताओ यार, क्या बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने के लिए पूरा साल एक प्लान से चलना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम योर जेईई प्रेपरेशन, या फिर आखिर के महीने में तबाही मचा के अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं? तुम्हारा क्या कहना है, कैसे चलना बेहतर है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो बोर्ड्स और जेईई की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अलग नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो सेम ही रहता है, उसके अलावा सिर्फ एक इंग्लिश रहता है और कंप्यूटर साइंस या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता है, उसके लिए थोड़ी फाइट मारनी पड़ती है। बाकी हमारे जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स है वो तो जेईई से लगभग अलाइन ही रहते हैं, हम जेईई के एग्जाम दे रहे तो जेईई के हिसाब से बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत डिफरेंट है। बट डोंट यू थिंक जेईई की प्रिपरेशन करते वक्त तुम बहुत सारा हाई लेवल न्यूमेरिकल सॉल्विंग में घुसते हो, जबकि बोर्ड्स में वैसा नहीं आता उतना? सर मतलब जेई में बेसिक्स तो हमारे बनना ही है, मतलब जेई एडवांस के एग्जाम देना है तो बेसिक्स तो स्ट्रांग होना ही है, तो उसके लिए सर बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन भी वहीं से हो जाती है। एंड बोर्ड्स सर मानते हैं कि लास्ट के 1 मंथ में अगर बोर्ड्स को प्रॉपर टाइम दिया जाए, सैंपल पेपर्स कर लिया जाए, वहीं सफिशिएंट होता है सर। तो मान लो कि अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ जो कि मुझे लग रहा है काफी सही है, बच्चा भी कह रहा है गौरव कि यार तुम अच्छे से जेई की तैयारी को फोड़ो, जो कि सर्टेनली बेसिक से आप ऊपर लेवल तक जाते हो, और आखिर में जब 1-2 महीने रह जाए बोर्ड्स में, वहां पे जाके इन पर्टिकुलर सैंपल पेपर हो गए, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उसको लिखना कैसे है, उस पर अच्छे से फोकस कर लो, तो यू कैन स्कोर वेरी गुड इन बोर्ड्स, राइट? यस, क्योंकि सर बोर्ड्स में एक लिखने का तरीका भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा।
Yes. जितना अच्छा प्रेजेंट कर पाते तो उसकी थोड़ी तैयारी करनी रहती है. Nice, nice, that's it. Very good. हर्षित यार तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या मानना है कि यार बोर्ड्स के लिए जोर लगता है या बच्चों ने ऐसे हवा बनाया हुआ कि यार बोर्ड्स नंबर कैसे आएंगे कैसे आएंगे, क्या कहते हो? ज्यादा जोर नहीं लगता, बस थोड़ा अंतर आता है. जेईई मेनली ऑब्जेक्टिव होता है, बोर्ड्स में एक ही स्टेप अच्छे से लिखना होता है, स्टेप मार्किंग होती है. सर ज्यादा अंतर नहीं होता, मैथ्स और केमिस्ट्री लगभग सेम होता है, सिर्फ फिजिक्स में डेरिवेशंस प्रैक्टिस करनी होती है, बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश इसमें थोड़ी फाइट है. बिल्कुल सही कह रहा बच्चा है, इसने बिल्कुल सही बात की कि आप जेईई की मैथ केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो अगर, तो भैया तुम बोर्ड की टेंशन ना लो, क्योंकि केमिस्ट्री में और मैथ में इसी का थोड़ा इजियर वर्जन तुम्हारा बोर्ड्स में आएगा, सिमिलर टाइप बट थोड़ा इजियर. फिजिक्स में नो डाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है व्हेन इट कम्स टू बोर्ड, तो फिजिक्स पर थोड़ा सा फोकस अलग से करना पड़ता है. सर इससे पहले कि आप इंटरव्यू करो, मैं आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग फ्रॉम गौतम, बिकॉज आई हैव अ नोशन बींग अ जेईई मैथ्स टीचर, I have a notion that NEET preparation is quite closed to boards preparation, right? तो मिलता मिलता होता है, it is close by. तो is my notion correct or it is wrong, Gautam? I want to ask if somebody is preparing completely for NEET, तो boards is almost like similar or little easier than that. Yes, sir, it's true. We have to focus mainly on NCERT for board, NEET and for boards. So I didn't even get to the boards part like just 5 days before the exam. In the study holidays, I used to study for boards. Oh, that is great. By the way, Gautam, you are waiting for your NEET result, right? Yes, sir. I wish you best of luck. I know personally about your scores. So, sir, abhi hum usme nahi jana chahte, but yes. He is one of the NEET topper as well, and we wish you best of luck that you score really good and very good rank, right? Thank you, sir. Manisha, तुम्हारा कैमरा हिल गया बेटा. हाँ. इससे पहले कि मनीषा से कुछ पूछे, क्या कहते हो इनको एक different way से felicitate किया जाए यार. सर आपने पता, आपको पता है हमने इनके लिए ना बड़े नए तरह के certificates बनाए हैं जो कि हम इनको देंगे सही समय आने पर. तुम वो सर्टिफिकेट देना चाहोगे तुम्हें मजा आ जाएगा. मतलब पहले तो बच्चों से तालियां चाहिए, मतलब एक बार जोरदार तालियां मारो सारे क्लैपिंग कर दो चैट में. वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स. एक अभी एक बार समराइज कर दे कि जो जेईई वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा फिजिक्स डिफरेंट होता है, बट मैथ्स और केमिस्ट्री बिल्कुल सेम होता है. बट फॉर नीट वो बिल्कुल इतना सिमिलर होता है कि यू कैन प्रिपेयर एज क्लोज टू योर बोर्ड एग्जाम्स. तो बच्चों समराइजिंग दिस, वी हैव गॉट अ ज्ञान. अब आपकी तरफ से इनके लिए तालियां मारो, और आपकी तरफ से हम इन बच्चों को एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं एक बिल्कुल अलग तरीके से. वी वांट टू गिव देम अ डिजिटल सर्टिफिकेट, बट नॉट बिफोर यू क्लैप. यस, आप क्लैप करोगे, मैं क्लैप करूंगा, फिर जाके वो सर्टिफिकेट शुरू होंगे. तो एक बार चैट में आग लगा दो, जितनी ऊंची वो सने का था, जितना जोर से क्लैप करोगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं. तो फटाफट क्लैपिंग, आई शाबाश. मैं अगर 9-10 चैनल बच्चों ने तो 10th के बच्चों ने तो तबाही मचा दी. यस, कंपटीशन हो गया ये तो. हां, मैं जेईई वाला चैनल बोलो सर, मतलब ये आग तो लगा रहे, क्लैप नहीं बजा रहे. चलो चलो चलो, तो चलो हम क्लैप हो जाते हैं. देखो इनके सर्टिफिकेट्स, मजा आ जाएगा. मनीषा कैमरा ठीक करो बेटा, वो दूसरे मोड में है. हाँ मनीषा, लैंडस्केप मोड अगर वो नहीं आ रहा ठीक तो आप पोर्ट्रेट मोड कर लो. हाँ. कोई बात नहीं, अभी वो टेढ़ा दिख रहा है. यस. तो भाई क्या बात है, अरे अब भाई ना बात, अब इन्होंने भी फटाफट तबाही मचानी शुरू की. सो भाई मतलब ये जो ना 12th के बोर्ड के मार्क्स है ना, मतलब ये अलग से खेल होता है. मतलब जब बच्चा एस्पिरेंट होता है ना, चाहे वो जेईई का हो चाहे वो नीट का हो, जब ये दिसंबर जैन पास आने शुरू होते हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड्स के मार्क्स ना उसको कहीं ना कहीं बॉदर करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बोर्ड्स हैं. मतलब हालांकि आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट उसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे आएगा लाइफ में, बट बोर्ड्स है, इस करके इसकी इज्जत ना जाग जाती और बढ़ जाती है. इसीलिए ये बच्चों से जानना बहुत जरूरी है यार कि ये कैसे मैनेज करते थे अपने कॉम्पिटिशन और जेईई के बोर्ड्स की प्रेपरेशन को. सर आपके मन में कोई सवाल है पूछो. मतलब मेरे को गौरव ना बड़ा शरारत, मैंने पहले भी कहा था कि गौरव मेरे को बड़ा शरारती बच्चा लग रहा है, पता नहीं क्यों, सम हाउ आई डोंट नो व्हाई. और चैट में बताओ तुमको लग रहा है, गौरव की शक्ल देखो लग नहीं रहा है शरारती बच्चा होगा. मतलब गौरव इज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, ठीक है, एंड हर्षित इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, और ये दोनों बच्चे आज यहाँ बैठे हुए हैं. सो दिस शोज हाउ रिलैक्स दे आर, एंड दिस इज वन
बिग मैसेज टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट आउट देयर कि एक दिन दो दिन पहले अपने आप को रिलैक्स करके बैठ जाओ. मतलब इनको बोला कुछ भी, मतलब अभी स्ट्रेस लेने का कोई टाइम नहीं है आजकल. जितना रिलैक्स होकर हम आईटी के पेपर में जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा करने की टेंडेंसी है. सो दे आर वेरी रिलैक्स्ड. कुडोस टू देम फॉर एक्चुअली इनफैक्ट जॉइनिंग दिस सेशन. एग्जैक्टली, ठीक है. वी रियली फील वेरी गुड एंड हैप्पी रादर कि आप इस सेशन में ज्वाइन कर पाए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका जेईई एडवांस का पेपर भी है. बट वी नो तुम मैच्योर बच्चे हो, तुम कैंड बच्चे हो, तुम में वो है लेवल की यार पता है. अब तैयारी हो चुकी है, लाखिर के एक डेढ़ दिन में मुझे अपने आप को बैलेंस रखना है, काम रखना है. एंड व्हाट बेटर देन हेल्पिंग माय जूनियर्स. उससे बेहतर चीज क्या होगी यार. मैं उनको गाइड कर पाऊंगा, एक 15-20 मिनट के लिए मैं लाइव आऊंगा, बच्चों से बात करके उनको गाइड कर दूंगा. इससे ऊपर कुछ भी नहीं है. तो लास्ट वन टिप आपसे मैं जानना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू नो वन टिप पर स्टूडेंट जो आपका करक्स है यार, कि भैया ये बताना चाहता हूँ बोर्ड्स की प्रेपरेशन, जेईई की प्रेपरेशन, व्हाटएवर एज अ स्टूडेंट अपने जूनियर्स को तुम एक टिप क्या देना चाहते हो. एवरीबॉडी चैट में एक बारी हैशटैग चकते लगा दो, क्योंकि तुम्हें वो एक टिप मिलने वाला है जो तुम्हारा सीनियर तुमको देने वाला है. स्टार्टिंग फ्रॉम नम 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 गौतम. सो गौतम, व्हाट इज दैट वन टिप दैट यू वांट टू गिव योर जूनियर्स रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन. फोकस ऑन एनसीईआरटी लाइक एवरीवन सेज. सो एंड फॉर बोर्ड्स सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स. ओके, सो बेसिकली गौतम सेज इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी. इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ योर यू नो प्रिपरेशन. And for boards separately, do attempt sample papers that will make sure कि you know how to attempt the paper. Coming to Manisha, yes. So Manisha, तुम क्या कहते हो? ये भी neat aspirant है. So Manisha, तुम क्या कहते हो? एक tip. Yes, Gaurav said NCERT should be on your fingertips. And one more tip I would like to give is that you have to be consistent all the time. ये सबसे बड़ी बात कह दी. इसके आगे कुछ होता ही नहीं. ऐसे ही बताऊं तो कंसिस्टेंसी इज द की. कंसिस्टेंसी इज द की एवरीबॉडी. जो करना है रेगुलर करो. ये नहीं कि दो दिन क्या तीन दिन छोड़ दिया, वो नहीं. रेगुलर एक चीज को टिक पर टिक जाओ उस पर, वो ही करते रहना है. वो तुम्हें लेके जाएगा. इट इज द ह्यूमन टेंडेंसी टू फॉलो द टाइम टेबल फॉर 2-3 डेज एंड देन गेट आउट ऑफ इट. बट देन एवरी टाइम वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. सो एंड यू हैव टू बी get motivated by your goal, like what you want to do. So this is coming from a student who scored 98 point something percent. Mujhe to 98 bolte hue chakrane shuru ho jate hain, aage to kya bataun. So Gaurav, tumhari taraf se ek point, sabse end point jo tum apne juniors ko batana chahte ho overall. Sir, mere taraf se to ye point rahega ki believe in yourself. Aray, whether it is JEE, NEET or boards, believe in yourself. Because ऐसा नहीं कि बहुत difficult है. And हमारे आनंद सर तो हमेशा ही कहते हैं exactly. कि हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा. Yes. So believe in yourself, it will be fine. तो गौरव ने आज एपी सर को रिडंडेंट बना दिया. सर आपकी जरूरत नहीं है. गौरव ने बता दिया आपका पॉइंट. अब आप क्या बात करोगे यहाँ पे. सो बिलीव इन योरसेल्फ. एपी सर हमेशा कहते हैं, सर एक बार कह दो तुम्हारा नहीं होगा तो किसी और का नहीं होगा. किसी का नहीं होगा. तो चैट में हो जाए हर बच्चा, 10th का बच्चा, 11th का बच्चा, 12th का बच्चा, जिस भी स्टेज पे खड़ा है एक बार चैट में हो जाए मेरा नहीं होगा तो किसका होगा. फटाफट चैट में हाई ऑन कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, हाई ऑन पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए. सारे के सारे चैट में शाबाश. यस एग्जैक्टली. मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, राइट. इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें होना चाहिए. फाइनली कमिंग टू हर्षित, एक पॉइंट तुम्हारी तरफ से एंड देन वी विल बी कंक्लूडिंग. यस, मेरा कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना चाहिए. पहला पॉइंट क्या बोला? कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए. अरे तो बेसिकली टेक अवे पॉइंट कैन बी नेवर गिव अप. और मेरे हिसाब से इसके साथ हमें अब रोकना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बचा. सारा ज्ञान तुमको मिल चुका है. सो आई थिंक यू ऑल गॉट द बेस्ट लर्निंग जो आपको प्रिपरेशन में चाहिए. बच्चों एक बार लव दिखा दो अपने सीनियर्स के लिए. And that is where we will conclude this particular felicitation with this, these students of 12th standard. So, ek baar love dikha do bachcho inke liye. And definitely, aashirwad. Hamesha apne seniors ka, apne maa-baap ka aashirwad lena bahut zaruri hai. And these seniors are here to just give you that blessing. So that when you are in their stage, in their seat, to aap bhi aise confidently baat kar pao. That is our wish, our dream. And that is our message to all of you. So, love you all guys. तो हमारी तरफ से इतना ही. अब चलते हैं वापस अगले इवेंट की ओर. तुम जानते ही हो
कि यार ये एक बढ़िया तरीके से फेलिसिटेशन हो रहा है जहां पे हम वर्चुअली बहुत सारे बच्चों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। देखो अंग्रेजी नहीं आती, पंजाब बोर्ड का बच्चा हूं मैं। तो चलो विद दैट इट्स अ गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, क्लैपिंग हो जाए, बाय बाय। ओए होए मजा आ गया यार, ओ माय गॉड, लुक एट दैट एनर्जी, डैम। तो भाई यू नो कैन वी कंटिन्यू दोज हार्ट्स इन द चैट, बिकॉज दिस इज ग्रेट, कैन वी, है ना? अरे क्या बात यार, है? नाउ आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू गाइस टेलिंग मी सर 12th का तो हो गया, 10th का काहे नहीं हो रहा सर, कुछ बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। बट बिफोर आई गो देयर, आई वाज सीइंग वन पर्सन्स कमेंट, आई थिंक इट वाज Some Aman was there, I think. Hindi mein likha hota Aman. Aur us bachcha, wo bachcha keh raha tha ki ye to sab dash 32% wale, dash mein batana, matlab koi bhi aap dal do word, to ye to sab 32% wale hain. Pehli baat, agar hai bhi to kya 32% walon ki matlab respect nahi hoti kya? To bhai jab ek student hi aise bol raha hai to hum kya kare? Hum to sabko respect denge. दूसरा यार कम से कम इनकी रेस्पेक्ट कर लेते हैं, बहुत मेहनत की है बच्चों ने, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ 10th का भी होने वाला है, बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर द गिव अवे। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड टू नो कि भाई आज का गिव अवे क्या है, द मैसिव गिव अवे क्या है आज का? प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट राइट नाउ, बताइए। बहुत होती है ना शैलेंद्र जी? हाँ एग्जैक्टली भाई, हर एक बच्चे की मेहनत होती है, और बस मुझे ना रोस्टिंग का मौका मत दो, ठीक है? बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ तो मैं आपको बताता हूं कि भाई एग्जैक्टली है क्या आज का गिव अवे, तो ध्यान से सुनना सब लोग। तो आई वुड लाइक टू हैव ऑल ऑफ योर अटेंशन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ एंड हियर मी वेरी केयरफुली। पहले ये बताओ, इन सारे टॉपर्स को रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन लेता देख के कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी ये चिंगारी उठ रही है क्या कि यार अगले साल तो मुझे भी टॉप करना है? इन टॉपर्स के पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी है ना, वो मुझे अपने पेरेंट्स के फेस पर भी लानी है, और एक साल बाद शान से स्टेज पे आके वेदांतु मास्टर टीचर से अपने हक का अवार्ड पाना है। अगर चिंगारी उठ गई है तो इसको मशाल में तब्दील करने का काम हमारा है। मेरे शेरों और शेरनियों, आपके टॉपर बनने के सपनों को पूरा करने के लिए वेदांतु लेके आया है दिस मैसिव गिव अवे। नाउ यू कैन गेट वेदांतुस एआई लाइव क्लास ऑफ 10th ग्रेड, जेई एंड नीट ऑल एट फ्लैट 20% ऑफ गाइस, विच कम्स टू जस्ट लेस देन 7 rupees पर सेशन। समझ पा रहे हो आप? क्वालिटी एजुकेशन कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन्स, सिटिंग एट योर होम एट जस्ट 7 rupees पर सेशन। इतने का तो हम बायोलॉजी खा लेते हैं, है कि नहीं? आई नो, आई ऑफन गेट कमेंट्स ऑन यूट्यूब कि सर सारे टीचर्स यूट्यूब पर ही नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाते हैं, तो फिर ऐप में क्यों ही एनरोल करें? आई जस्ट हैव ए सिंपल आंसर। आप खुद सोचो, अगर यूट्यूब पर फ्री में वी आर गिविंग सच ऑसम सेशंस, तो भाई साहब तो जो कोर्सेस में होगा तो फिर वो किसी और डिफरेंट लेवल पे होगा ना, समझ पा रहे हो? एंड वंस यू एनरोल, आई अभिषेक एज योर मेंटर कैन प्रॉमिस यू दैट एवरी हार्ड अर्न्ड रुपी ऑफ योर पेरेंट्स दैट इज स्पेंट विल बी वर्थ इट। और यही आप अपने पेरेंट्स को भी कहना, क्योंकि जैसे आप पढ़ाई में अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो, वेदांतु में वी हैव पोर्ड आवर हार्ट इनटू क्रिएटिंग एआई लाइव, जहां पे यू विल गेट टॉप क्वालिटी कंटेंट, रिच फुल सिलेबस सेशंस फ्रॉम इंडियाज बेस्ट मास्टर टीचर्स, इन क्लास डाउट सॉल्विंग जहां पे आपके अपने क्लास टीचर ऑन द स्पॉट डाउट सॉल्व करेंगे, और पढ़ा हुआ इमीडिएटली रिकॉल और रिटेन करने के लिए इन सेशन क्विजेस एंड लीडर बोर्ड होंगे, जहां पे यू कैन कंपीट एंड विन अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। उसके साथ साथ आपको एग्जाम्स फुल प्रूफ बनाने के लिए असाइनमेंट्स एंड नोट्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एंड अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल। आप बोलोगे सर इतना सारा,
एट जस्ट 7 rupees पर सेशन, तो फिर एक और धमाके के लिए तैयार हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एनरोल दी वर्ल्ड क्लास ए आई लाइव क्लासेस एट सच लो कॉस्ट, यू यूज्ड ऑल द फीचर्स, सॉल्व ऑल योर डाउट्स, प्लेड क्विजेस, डिड असाइनमेंट्स एंड नोट्स, और उसके बाद भी इफ यू फील कि नहीं यार मेरा ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, देन वी विल रिफंड योर फीस विथ नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बिकॉज एज वेदांतु वी हैव फेथ इन यू एंड ऑन अस एंड वी प्रॉमिस यू दैट 100% योर मार्क्स विल इंप्रूव एंड यू विल इंप्रूव। ऐसा कोई और दावे से नहीं कह सकता है आपको कहीं पे भी। आप लिख कर ले लो मुझसे, मेरे शेरों और शेरनियों, ये मौका बिल्कुल भी मत खोना, और पापा मम्मी को अभी ही तुरंत बोल के एनरोल कर लेना, एज वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स एज यूजुअल। दिस 20% ऑफ विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द नेक्स्ट 48 hours, दैट मीन्स टिल संडे 8 PM। अब इसको अवेल कैसे करना है, सिंपल है, आप बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको चारों के चारों लिंक वहीं पे मिलेंगे। कौन से चार लिंक हैं? अगर आप 10th ग्रेड में हो तो 10th ग्रेड का लिंक वहीं पे है। अगर आप जेई और नीट 2 साल का करना चाहते हो तो वो भी है आपके सामने है। आपको यहां पे दिख रहा होगा भाई डिफरेंट प्राइसेस, ग्रेड 10th का आपको दिख रहा है कि 9000 का जो कोर्स है 20% ऑफ के बाद, इट विल कम डाउन टू 7200 फॉर द एंटायर ईयर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश ऑल टुगेदर With all the features I just told you, how amazing! JE का 2 साल का कोर्स जो 16,500 पे है, that after 20% of discount comes down to just 13,200 for the entire 2 years, जहाँ पे आपकी 11 की पढ़ाई होगी, 12 की पढ़ाई होगी और साथ ही साथ JE की भी पढ़ाई होगी, यानी कि 13,200 के अंदर 2 साल का 11, 12 और JE advanced तक 4 exam की पढ़ाई हो रही है आपकी। With all the best features, same goes for NEET. सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमने एक व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, अगर एंड में आप देखोगे, इट्स फॉर अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है ना, तो आप व्हाट्सएप लिंक में पिंग कर सकते हो कि सर हमें थोड़ा हेल्प कर दो एनरोल करने में, वरना एवरीथिंग इज सो सिंपल। आप लिंक पे क्लिक करोगे, हमारा कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है, कूपन कोड इज YTAKR, ठीक है, कूपन कोड अप्लाई कर दो आप और बस, ऑलरेडी अप्लाइड होगा, नहीं होगा तो YTAKR YouTube AKR वही है, ठीक है, अप्लाई कर देना 20% ऑफ का। तो अभी के अभी सब लोग क्लिक करो और मुझे बताओ भाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई बच्चे बोल रहे हैं सर वेरी टेम्पटिंग ऑफर, आई नो दैट्स व्हाई। चलो, सो नाउ गाइस, आफ्टर क्लास 12th इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द रिजल्ट्स ऑफ इंडियाज टॉप 5 rankers ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स। प्लीज वेलकम वंस अगेन एपी सर अलोंग विथ, बहुत देर से पूछ जा रहा है चैट में, सर हमारे हर्षु बाबा कहाँ हैं? तो ये रहे आपके सामने हर्षु बाबा अलोंग विथ एपी सर टू प्रेजेंट द अवार्ड्स फॉर द टॉप 5 best rankers, टॉप रैंकर्स ऑफ क्लास 10 ग्रेड 2022 from Vedantu. Here we go. नमस्कार आदाब, शास्त्रीय काल और खुशामदी। तो कैसे हो मेरे बच्चों और कैसी चल रही है जिंदगी? Hi to everyone. तो देख रहे हो हमारे पास कितने सारे चैंपियंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, एंड दीज ऑल स्टूडेंट्स आर टॉपर्स। और वैसे मैं तुम्हारे चैट देख रहा था, बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि हर सर कहाँ है। तो भाई रिया मैं तुम्हारा चैट देख रहा था, आयुष मैं तुम्हारा चैट देख रहा था, महक का, नलिन का, सबका चैट देख रहा था। तो आई डू स्टिल रिमेम्बर दैट, और बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों के, मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, मैं था एक्चुअली। तुम लोगों को पता है कुछ दिन से मैं सेशन नहीं ले पा रहा बिकॉज गले में बड़ी दिक्कत सी हो गई है, लेकिन पीछे से एपी सर आया, यू लाइक यू नो ऐसे ऐसे करके मारा मेरे को, सच बता रहा हूँ। और उसके बाद बोले तेरे गले में दिक्कत है तू सेशन नहीं लेगा, ऐसा करेगा तू? अरे अभी बाजू में खड़े होके हंस रहे हैं। तो लेट्स कॉल एपी सर फॉर फेलिसिटेटिंग ऑल आवर चैंपियंस। तो एपी सर इज हियर, यहीं पे हूं तब से, मतलब हर सर को बच्चे याद कर रहे, तो मैं तो यहीं पे था, मतलब बच्चों से बात कर रहा था। आप तो थे इसलिए आपको याद नहीं कर रहे, हर सर ना मुझे बदनाम करते रहते, मतलब मैं चीटी तक नहीं मारा आज तक लाइफ देखो बच्चों को पता है कि मेरे को दो ही के मजे लेने में सबसे ज्यादा मजा आता, मतलब मजे लेने नहीं, गलती फिर मेरे बहुत मजे लेंगे आप। तो दो ही के साथ मजाक मस्ती करने में बड़ा मजा आता है, एक एपी सर और एक वो दिखाई अभी आपको थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे खड़ा था। हाँ तो सर आपको बताऊं बहुत अच्छी बात, ये जो बच्चे दिख रहे हैं पीछे, इन्होंने धूम मचाई है, एंड जस्ट गेस कितना धूम मचाया है, मतलब
मतलब धूम तो देखो ऐसा है कि हमारे समय तो 70% 75% आधे वक्त ही हम लोग ऐसे करते थे, भगवान 70-75 दिला दे बस। और मतलब आ गए थे 83-84% आ गए थे, बट मतलब बहुत मिन्नतों से आते थे। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि देर आर टू डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक होता है जो बहुत मेहनत करते हैं, और हो सकता है यू आर एट 30-40-50% एंड देन यू वर्कड हार्ड, यू पुट मतलब लॉट ऑफ एफर्ट एंड यू इम्प्रूव्ड। एंड एट वेदांतु वी रियली रियली सैल्यूट ईच एंड एवरी वन हु शोज इम्प्रूवमेंट। एग्जैक्टली। एंड बट आज हम जब इन बच्चों से बात कर रहे हैं ना, इन बच्चों के पास एक ऐसी चीज है आपको देने के लिए जो शायद मैं भी नहीं बता सकता हूं, और वो होता है एक कंसिस्टेंसी, और ये कुछ तो इनमें अलग है और वो सीखना जरूरी है, बिकॉज हर टाइप के बच्चों से कुछ सीखना जरूरी होता है। और इन बच्चों में क्या है ये बच्चे ही बताएंगे, और हम इनसे जो सीखेंगे और पूछेंगे सवाल वो ये है कि ये कैसे इतने कंसिस्टेंट रह पाए हैं एंड विद विद सो मच ऑब्स्टिकल। हम सब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, हम सबकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है, मोबाइल फोन तो बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है। मेरे समय तो दोस्त सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन थे, मेरी पढ़ाई में सबसे मतलब सबसे बड़ा अड़चन और सबसे मतलब मुझे मजा आता था इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन थे। और आज की तारीख में वो जो दोस्त है ना हमारा, वो मोबाइल फोन बन गया है। तो विद ऑल दीज इंस्टाग्राम्स ऑफ द वर्ल्ड, यूट्यूब्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल दीज स्टूडेंट्स हैव गॉट दीज रैंक्स। एंड देयरफॉर मैं तो इन बच्चों से यहीं से जानना चाहूंगा, एक बच्चे क्या है, कितने मार्क्स लेके आए, और ये डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे रह पाए। बिकॉज आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो है डिस्ट्रैक्शन फ्री हम कैसे रहे, कैसे रहे। तो आपको वैसे सारे जनता को ये लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे फेलिसिटेट कर रहे हैं, तो टॉपर्स को बुलाया होगा, तो जाहिर सी बात है 90 प्लस वालों को बुलाया होगा। तो आपको क्या लग रहा है 90 प्लस वालों को बुलाया होगा? देखते हैं मैं तो बच्चों से तो 95 प्लस वालों को बुलाया होगा। चलो मैं थोड़ा और एक्सपेक्टेशन सेट हाई करता हूं, तो 95 प्लस वालों को भी नहीं बुलाया हमने, हमने सारे के सारे 99 प्लस वालों को बुलाया है। एंड यू वोंट बिलीव कि वी हैव अ स्टूडेंट हु हैज गॉट 99.8%। तो दोनों कहां गए वो, सिर्फ दो नंबर उसके गए, कहां गए वो मृणाल खुद बताएगी। बट मृणाल इज द स्टूडेंट हियर, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बच्चे को 99.8% आया है, और सिर्फ मृणाल की बात नहीं, मतलब चाहे भद्रा हो, चाहे आदेश हो, चाहे मोक्ष हो, ओम हो। और आपको पता है सर, ये सारे बच्चे मतलब ऐसे ऐसे जगह से, जैसे आई रिमेम्बर ओम, ओम पता है यावतले नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में जो मुंबई से थोड़ी दूर है, एंड इट्स अ डिस्ट्रिक्ट, इट्स नॉट अ बिग सिटी। आदेश जो है वो जम्मू से है, सोचो मतलब ऐसी ऐसी जगहों से बच्चे इतना बड़ा मैसिव डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं। भद्रा का इंटरव्यू मैंने लिया था, ये रायपुर से है, और इन जगहों से बच्चे इतना पूरा इंडिया है। एग्जैक्टली, पूरा इंडिया है। तो यस, तो बच्चों से सुनते हैं, मतलब एक बार तो मैंने बोला तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज जितनी जोर से तालियां मारोगे आप अगली बार यहाँ पे स्टेज पे खुद बैठे होगे, तो प्लीज कीप ऑन कमिंग। मतलब जितने भी आप एग्जैक्टली पहले इनको अवार्ड देते अवार्ड, हाँ, तो सारे लोग इनके लिए सर्टिफिकेट है जल्दी से, तो आप लोग भी देखो सर्टिफिकेट अपना यूट्यूब पे देखो, आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एंड एवरीवन प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। ओके, सो इन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया, और अब जैसा कि एपी सर पूछ रहे थे, तो ये सवाल इन बच्चों से पूछना अभी और दे रहे हैं। अच्छा, और दे रहे हैं। ओके ओके, बहुत सारे सर्टिफिकेट, तो एक एक करके सारे लोग को पहले सर्टिफिकेट देते हैं। मस्त है ना एपी सर, और शुरू करें। लेकिन मैं सोच रहा था कितना मस्त है ना, सोचो एक जमाना होता था, मुझे आज भी याद है कि मुझे जब सर्टिफिकेट दिया गया था तो मुझे कुछ 2.5 घंटे ट्रैवल करके एक जगह पे जाना पड़ा था, वहां सर्टिफिकेट मिली थी, और उसके लिए भी 3-4 घंटे वेट करने पड़े थे, मिनिस्टर साहब आए थे तब सर्टिफिकेट मिला था। और तो हर सर मतलब देखो, मैं तो जानते हो कि मैं बच्चों की टीचर्स की सबकी थोड़ी बहुत टांग खींचता रहता हूं, तो हर सर को ना आज मौका नहीं मिला है बोलने का, तो बोले जा रहे हैं बोले और गला गला अभी ठीक हुआ इनका, तो बिल्कुल हाँ, मतलब वो बिल्कुल थोड़ा बचा के रख, नहीं नहीं बचा के नहीं, बिल्कुल आज तो बोल मतलब आज रुकेंगे नहीं, तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा चुप कराते हैं और बच्चों से बात करते हैं कि एग्जैक्टली एक बार एक एक करके करते हैं। भद्रा आपसे स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली आप कहाँ से हो, आपके मार्क्स क्या है, और आप इन बच्चों को क्या इम्पोर्टेंट टिप देना चाहते हो अपनी तरफ से, वो
जो कि इनके लाइफ में काम आएगा एक साल में, और जो हमने डिस्ट्रैक्शन वाला सवाल पूछा है, तो आप कैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री, वो सबके लिए कॉमन सवाल है. वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड इन टुडेज वर्ल्ड दैट इज द बिगेस्ट फियर इन एवरी स्टूडेंट्स माइंड, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम मोबाइल फोन, वो फ्रेंड का चैट हो या स्नैपचैट हो या कुछ भी हो. तो स्टार्टिंग विथ यू बद्रा, ओवर टू यू, यू कैन अन या. Yes, sir. Sir, I have scored 99.4% in 10th board. I am from Raipur, Chhattisgarh. And the biggest tip that I would like to give to the students is that we just have to be determined and focused. And we just need a target, and we just need something willpower in our hearts that I want this and I am going to get this some way or the other. And if we just have this willpower, no distractions can come in our way. No difficulties will seem too big. And there will be obstacles, there will be difficulties, but we'll fight through them, we'll power through them, and we will be successful in the end. So and determination is percentage. Percentage. 99. Sir, I've scored 99.4%. Wow. और क्या प्यारे thoughts थे इस बच्ची के, मतलब determination पे कितना मस्त. Yes, so over to you, Adesh. Come on, Adesh. Hi, sir. And two kids also. I'm Arshad and I'm from Jammu. I scored 99.2% in CBSE 10 boards. Oh, that's great. So, Adesh, tum kaise distraction se dur rahe? Sir, distractions sabse badi to mobile hi hai. Aur main jab bhi padhne baithta tha, to main apne mobile ko switch off karke dusre room mein rakh deta tha. और ये सबके साथ होता होगा, जब भी हम पढ़ रहे होते कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में आती है चीज, तो लगता है कि अभी कर लेते हैं. तो वैसी चीज जो भी आती थी मैं उसको एक नोटबुक के पीछे लिख देता था ताकि मैं पढ़ने के बाद वो चीज कर सकूं. तो मैं उस वक्त उठता नहीं था जब मैं पढ़ने बैठ जाता था. क्या बात, बहुत सही, वेरी गुड यार, ऑसम. This will definitely help you in 11th and 12th. Just maintain that because I always tell students, especially जो कि JEE NEET की तैयारी करना शुरू करते हैं 11th में या 12th में, अगर दो घंटे अपने लिए आपने डिटरमाइन किया हुआ है कि दो घंटे हम कंसिस्टेंट रहेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, वो दो घंटे आपके होने चाहिए. कोई भी इंसान और कोई भी सामान आपका वो दो घंटा छीनना नहीं चाहिए. एंड द बिगेस्ट थिंग दैट कैन टेक दैट टू आवर्स और थ्री आवर्स और वट एवर सेल्फ स्टडी जो आपने रखा हुआ है वो है मोबाइल फोन. सो प्लीज आप मतलब इट्स अ वेरी गुड सजेशन, जस्ट फॉलो इट. ओवर टू यू मोक्षा. हेलो सर, I am Moksha from Bangalore, Karnataka. I scored 99.2% in CBSE board exam. According to me, distractions, when we go on our path, it's true, distractions will be there. What I used to do is, I used to take breaks. Like sitting for 10 hours at a stretch studying is impossible. So after every 1.5 hour, 15 minutes break, I used to like do whatever I'm comfortable with. That used to like increase my productivity as a whole in the day. Quite awesome. That's really great, Moksha. And this tip again can be copied and continued in 11th and 12th because everything that these students are telling us, it's not so easy. It looks easy. It is very difficult. Trust me, maintaining that self-discipline is the biggest, I would say, is a virtue. And everyone should have that. It is very difficult to have. Trust me, it's not easy. और मैंने एक चीज जो बोला है कि टॉपर बनने की ना एक हैबिट होती है. एंड वी शुड ऑल ट्राई टू स्ट्राइव फॉर दैट हैबिट. वाई डू वी स्ट्राइव फॉर IIT? वाई डू वी स्ट्राइव फॉर द बेस्ट कॉलेज? इट्स जस्ट दैट इट्स अ हैबिट. वी इफ वी अचीव इट, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड इट ऑल्सो गिव्स अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड देयर फॉर गेटिंग टू दिस पोजिशन, इफ इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ सैक्रीफाइस. मैं बच्चों को एक स्टोरी बोलता हूँ हमेशा कि बचपन में वेन यू वर किड used to fight for everything. मतलब आपको एक टॉय चाहिए था ना, आज मेरी बेटी है 3.5 years old एंड अगर उसको कुछ चाहिए होता तो आंख में से आंसू आ जाएंगे, टप टप बहने लग जाएंगे and she will get that. मतलब उस एज से हमें पता होता है कोई भी चीज हमें कैसे छीननी है. लेकिन जो एग्जाम है उसमें नंबर लाना, IIT जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना, नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना, CBSE ICSE के एग्जाम को अच्छे नंबर लेके आना, दिस इज अ चैलेंज जो कि हमें अपने आप से फाइट करनी है. द डेमन इनसाइड अस, हमें उससे बहुत फाइट करना है. सेल्फ डिसिप्लिन इज समथिंग विच समथिंग वी हैव टू फाइट विद आवरसेल्फ. तो आयरनी ये है कि हम दुनिया से फाइट कर लेंगे एक टॉय के लिए, किसी भी चीज के लिए, गेम के लिए और व्हाटएवर, बट अपने आप से फाइट नहीं कर सकते. जो आपकी
लाइफ में सबसे बड़ा चेंज लाएगा, वो आपको सबसे अच्छा कॉलेज, आपको मार्क्स दिलाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, हम उसे फाइट नहीं कर पाते हैं. एंड दैट इज द आयरनी. एंड लिसनिंग टू देम, जस्ट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट वेयर आई मिस्ड एज अ स्टूडेंट एंड आई बिकेम टीचर बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड माई स्टूडेंट्स टू मिस दिस पार्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. सो ग्रेट वर्ड्स फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स. एंड ओवर टू यू ओम. Hi sir, I'm Om Akulwar. I'm from Vani, Maharashtra. I scored 99.4% in my class 10 board exams. Yeah, wow. And distraction? Anything? And sir, I avoided distraction as I didn't had any social media account, so there was not scope of any discussion. And also, I used to take breaks and I used to watch. Schedule and watch YouTube or so in that interval. Okay, that's great. Yeah, really awesome. So one important thing jo abhi is bacche ne bola and difficult. So I remember All India rank 6 Shubham Goyal, jo hamara pehla, matlab aapko hamesha yaad rehta hai pehli cheez. So pehla hamara top 10 bacha tha IIT ke andar. And there was a common thing, and he came and he was talking to students and he said one thing. Agar tumko IIT mein top rank lana hai तो नोकिया वो एक फोन तो वो ले लो, बिकॉज उसमें कोई ऐसा इंस्टाग्राम, कोई व्हाट्सएप और कुछ भी नहीं होता है. एंड यू विल बी, अगर बात ही करनी है तो उससे बात कर लो. सो बेसिकली यू विल बी डिस्ट्रैक्शन फ्री, बट इट्स डिफिकल्ट. आई एम नॉट सेइंग कि आप हो पाएगा, बट जो सजेशन दे रहे हैं बच्चे कि ब्रेक कर लो, ब्रेक में जो भी चीज अच्छी लगती है, कंफर्टेबल लगता है, मतलब गिव योरसेल्फ रिवॉर्ड of studying for 1 hour or 1.5 hour and give yourself break, aur usme jo man karta hai wo karo 15-20 minute ka, don't extend it beyond that, but reward ke saath chalte rehna chahiye. So over to Runal. Yes, Runal. So 99.8 kahan reh gaye aapke number, ek do number kahan reh gaye pura 100% se bas. Yes. Thoda sa aaju baaju. Yes sir, myself Runal Sabre and I belong from Maharashtra and I scored 99.8%, so 2 marks are gone in English and SS. So for distraction, I would say that whole year means I controlled myself while studying. We should not look at the phone, right? And then when the exams were near, I just, all the entertaining apps that could distract me, I just uninstalled them so that there would be no distraction. So ek baat to pakki hai, pehle to bahut bahut taaliyan hai is bachche ke liye. So, दिखना चाहिए बच्चों, मतलब जोरदार तालियां दिखनी चाहिए, मतलब यहाँ पे तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज वॉट वी आर लर्निंग इट्स वेरी डिफिकल्ट. ट्रस्ट मी, हम सब टीचर्स ना कई बार बोलने की कोशिश करते हैं बट हमने नहीं फॉलो किया था अपने समय. मतलब इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टिल डेट. आज भी मतलब इट्स चैलेंजिंग. मतलब एक छोटा सा मैंने अपने लिए टास्क लिया है. मैंने एक टास्क लिया था कि टेलीग्राम में जितने बच्चे वेदांतु में, मतलब स्पेशली जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो 40-50 हज़ार बच्चे, सबको मैंने अपना टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, सबको. और आई एंश्योर कि कोई भी बच्चा मैसेज करेगा 24/7, मैं मतलब 24 आवर्स में मैं उसके सारे क्वेश्चन को मैं खुद आंसर करूंगा. एंड इट इज रियली चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट. कई कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते भर नहीं कर पाता हूँ एंड फिर संडे को बैठता हूँ, फिर पूरा दिन लग जाता है संडे को. लेकिन अगर मैं डेली दूँ तो 1 घंटा या 2 घंटा लगता है. एंड बट दैट पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन आई एम ट्राइंग टू टीच टिल डेट. और कुछ बच्चों में नेचुरली आता है, हमें कुछ बच्चों को हमें सीखना पड़ता है. बट ट्रस्ट मी, इफ यू रियली वॉन्ट टू बी देयर ऑन दी स्टेज एंड टू बी लाइक देम और बेटर देन देम, यू हैव टू रियली 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 एक्चुअली स्टार्ट विद सेल्फ डिसिप्लिन. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टेक अवे दैट आई विल टेक फ्रॉम ऑल दी स्टूडेंट्स, कि ये सब सेल्फ डिसिप्लिन थे, दे वर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, दे वर एबल टू कंट्रोल. कई बार हमें कंट्रोल करना पड़ता है. सो मतलब पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद टू मतलब ऑल दी स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू दी सेशन एंड इंस्पायरिंग लॉट ऑफ यंग किड्स. इनफैक्ट कई सीनियर्स को आपने इंस्पायर किया होगा अभी जो देख रहे होंगे, जेईई नीट वाले बच्चे भी. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 11th एंड 12th, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. एंड वील डेफिनेटली बी इन टच एंड वील डिस्कस अ लॉट अबाउट योर 11th एंड 12th जर्नी, कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प in 11th and 12th in JEE and NEET preparation, whatever you are taking, we'll definitely have a separate discussion on that and we'll connect soon. तो अगर आप वेदांतु के साथ हो तो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम में हूँ, टेलीग्राम में सारे बच्चों के साथ मेरा आईडी है, नहीं है तो ले लेना और आप मुझे वहां मैसेज तो कर ही सकते हो. सो चलो विद दिस
ओवर टू यू हर्ष सर। यार एक बार तो पहले सबसे पहले जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इन बच्चों के लिए फॉर दिस ऑसम फीट व्हाट दे हैव अचीव्ड। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लगा। तो वैसे तुम्हें पता है एक और अच्छी चीज हमने क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस की है, बहुत सारे बच्चे हमें बोल रहे थे, लाइक मुझे भी बोल रहे थे, अभिषेक को भी बोल रहे थे, एपी सर को भी बोल रहे थे कि हमें भी आना है ऐसे इंटरव्यू में। तो हमने सोचा कि सबके लिए क्यों ना रखें। तो हमने क्या किया पता है, हमने एक ओपन रूम जैसा अरेंज किया है। ओपन रूम जैसा मतलब क्या कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और उस लिंक के थ्रू आप लोग मुझसे मतलब हम सारे नाइन्थ एंड टेंथ के जो भी टीचर्स जिन लोगों ने आपको पढ़ाया है आप आपके पेरेंट्स उनसे मिल सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ मीटिंग, ब्यूटीफुल मीटिंग, ठीक है। तो आप सारे लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो इस सेशन के बाद वो YouTube पे नहीं होगा लेकिन हाँ वो Google Meet पे या Zoom पे होगा। तो इस सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है और आप लोग जुड़ सकते हैं सच में। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दीज किड्स भद्रा मोक्षा एंड मृणाल एंड आदेश। ओम लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है, बट जैसे इन बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ और हम सारे टीचर्स बात कर रहे हैं वैसे आप सारे लोगों से भी हम लोग बात करेंगे। एंड वी हैव नॉट पुट एनी बार, कोई मार्क्स का बार नहीं है कि आपके 90% ही आने चाहिए, 99% ही आने चाहिए, बिकॉज हम बहुत प्राउडली ये बात कहते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे का डेवलपमेंट। मार्क्स वो कितना लाता है ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि मार्क्स एक डेस्टिनेशन है, असल मजा तो जर्नी में है ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा आज के सेशन में। कितना मजा आया और क्या फील किया आपने, वेदांतो इज लव सारे बच्चे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग जो भी फील किया आज के सेशन के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना सो दैट कि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, अलविदा कहते हैं आप लोगों को, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता। थैंक यू सो मच। तो भाई हर्ष सर को देख के मज़ा आया ना, मतलब लगा तो नहीं ना कि भाई हर्ष सर कहाँ इतने बच्चे पूछ रहे थे, तो चलो आपको हर्ष वापस दे दिए और आपके एपी सर को भी आपके सामने दे दी दोबारा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, लक्ष्य ध्रुव और सुप्रतिक ऐसे तीन बच्चे थे जिन्होंने भाई और मतलब अमेजिंग मेहनत की है, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो देयर नेम्स एज वेल, तो हमने दिखा दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार यार जाने से पहले एक बार तालियाँ हो जाए, कम ऑन कम ऑन तालियाँ हो जाए एक बार बच्चों, जोर तालियाँ हो जाए, ठीक है। And before we end today's session on a very happy note, sad because I'm leaving you guys, but on a happy note, I want to tell all of you guys कि आज हम कुछ और special भी कर रहे हैं। वो क्या है, वो special क्या है? Simple है, हम अभी आपके live chat में डाल रहे हैं Google Meet का link, जहां पे आपके favorite teachers wait कर रहे हैं आपका। तो जाइए, हमने पिन कर दिया है गूगल मीट का लिंक, जाइए उसमें ज्वाइन करिए और अपने टीचर्स के साथ बात करिए। दे विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर एंड दिस वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो हाँ भाई, मौका है आपके पास, बाद में ना हो गया ना कि अरे अरे सर ऐसे कैसे सर सर सर, ठीक है। तो ये जो लिंक है हम अभी 5-10 मिनट तक ये यूट्यूब में चलता रहेगा, ब्रॉडकास्ट होता रहेगा, सेम जूम मीटिंग, बट मीटिंग है आधे घंटे के लिए, YouTube में होगा अगले 5-10 मिनट के लिए। तो जुड़ना है तो जुड़ जाना, मौका नहीं गवाना। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि भाई सिर्फ 100 लोग जुड़ सकते हैं इसमें, सो डू नॉट वेस्ट दिस टाइम, ज्वाइन राइट नाउ। बिल्कुल आइए शिखा जी, मैं रहूंगा, कोशिश करूंगा, बट हर्षू रहेंगे आपके, ठीक है। तो बच्चों देख लो, आपके अभिषेक सर ने अपने वादे को पूरा किया, टॉपर्स की कहानियां भी सुना दी और अनुभा मैम ने मोटिवेशनल राउंड टेबल भी होस्ट किया, वेदांतु के फाउंडर से भी मिलवा दिया और बैक एंड टीम से भी, और अब तो गिव अवे भी रिवेल हो गया, तो अब तो खुश हो जाओ, तालियां मारो, लाइक करो, मेरे ख्याल से अभी 2000 लाइक्स हो जाने चाहिए अब तक, है ना। चलो
पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. प्रेजेंटिंग यू द फाइनल धमाका ऑफ द इवनिंग. दिस वॉज अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु, साइनिंग ऑफ. पीस.
लिए बच्चों से इंटरेक्ट करने में एक अलग ही फीलिंग है. एंड ट्रस्ट मी बच्चों, मतलब यू एम्पावर अस एंड वी आर ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आप हो तो हम हैं. एंड क्लियरली यू गिव अस द पावर. हम जो आपके सामने जब भी हम YouTube पे होते हैं, एनर्जी दिख रही होती है, क्लास पे देखते हो आप एनर्जी दिख रही होती है, इट इज जस्ट बिकॉज कि हमें लगता है कि वो वहां पे बच्चा बैठा हुआ जो हमें देख रहा है ना, वो उसकी लाइफ में कुछ बदलाव ला पा रहे हैं, उसके लाइफ में वी आर एबल टू ब्रिंग सम चेंज इन दैट स्टूडेंट्स लाइफ एंड दैट गिव्स अस सो मच एनर्जी एंड पावर टू कीप ऑन गोइंग इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस. फॉर एग्जांपल अभी सर का गला खराब था बहुत दिनों से, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों से क्लास नहीं ले रहे थे, तो मतलब इट वाज एक्चुअली बट जैसे ही इनको सेशन का पता चला मतलब सारी की बीमारी अपने आप दूर हो गई. एंड ट्रस्ट मी यू गाइज आर आवर आई वुड से अगर हम वो एरोप्लेन है तो आप हमारा फ्यूल हो एंड यू रियली पावर अस. यू आर द इंजन इन दैट प्लेन हु व्हिच एक्चुअली पावर्स अस एंड हम आपके बिना केवल बॉडी रह जाएंगे. Exactly. और हम कुछ नहीं होंगे. सो थैंक यू बच्चों, मतलब फॉर एक्चुअली इंस्पायरिंग अस, मोटिवेटिंग अस टू डू दिस. क्योंकि वो बोलते हैं ना टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, तो जब भी हम आपको कुछ सिखाते हैं तो हम बेस्ट चीजें हम सीख जाते हैं अपने लिए. एंड दैट इज वेयर आई बिलीव दैट मतलब आई तो आई एम टोटली डिवोटेड माय लाइफ टू ब्रिंगिंग अ चेंज इन द वे वी हैव लर्नड, ब्रिंगिंग मतलब कुछ ना कुछ बच्चों के लाइफ में बदलाव आए. कॉन्स्टेंटली हम ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं. एपी सर की बात पता है इतने बार सुने बट फिर भी इतना मजा आता है जब जब सुनते हैं लिटरली. और पता है सबसे अच्छी चीज देखती है कि बच्चों के चेहरे की चमक, जब जैसे देखो मतलब इतने बच्चे जो खुश हैं देखकर इतना मजा आ रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आ रही है. क्यों भाई तुम लोग को कैसा लग रहा है? हाय सर. हेलो सर. हाय सर. बहुत अच्छा लग रहा है. हाय देखो यार, और इसलिए पता है इसलिए आज हम लोग मतलब आज सारे टीचर्स को बुलाए. अभी गौरव सर भी थे, लगता है गौरव सर कहीं चले गए बट राजा सर आ गए. अभी धीरे धीरे और भी टीचर्स जुड़ेंगे, तो यू कैन मतलब तुम आज सारे टीचर्स से मिल सकते हो 1-to-1. हाय रचिता मैम, व्हाट्स अप? हाय सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया. देखो मतलब रजत सर, रचिता मैम, सबके चेहरे पे जो स्माइल है आप लोगों को देख के, मतलब वो एक अलग ही फीलिंग है. अभी आई थिंक दिव्याशा मैम ने भी ज्वाइन किया है, मतलब एक चीज हमेशा याद रखना, जो अभी हम जितना भी सेशन कर रहे थे उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हमने आज सीखी है ना, और जो आप लोगों के लिए एक सिंगल मैसेज होगा, वो ये है कि अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना. सेल्फ डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट पावर, और बहुत मुश्किल, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है. मतलब एंड दैट इज वेयर दैट इज द ओनली, मतलब एक मैसेज जो कंसिस्टेंटली सात बच्चों ने दिया वो है कि वो लोग डिसिप्लिन थे. कई लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है आज भी. मतलब ट्रस्ट मी, एक चीज बना लेता हूँ कि ये करना है, दो दिन करता हूँ, तीसरे दिन गायब हो जाता है. और मैं बचपन से ही ऐसा हूँ. तो नहीं, बचपन से ही प्रॉब्लम है ना ये, तो बचपन में भी यही प्रॉब्लम थी, आज भी यही प्रॉब्लम है. तो मुश्किल है बट उसके बावजूद भी यहाँ पे पहुंच गए ना, तो ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच सकते हो बट उसके लिए बहुत ज्यादा फिर विल पावर चाहिए होता है, और फिर बहुत सारा फाइट अपने आप से करना पड़ता है. क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था बच्चों को भी, एंड आई थिंक सारे टीचर्स भी सुन रहे थे, बहुत अच्छा मौका मेरे लिए मतलब बोलने का. वैसे मैं जनरली चुप नहीं रहता हूँ, बोलते ही रहता हूँ, बाकी को बोलने का मौका देता हूँ. बट एक चीज जो मुझे लगता है कि बचपन में हम वी यूज टू फाइट फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग. मतलब हमें मम्मी पापा से फाइट करनी होती थी, हमें दोस्तों से फाइट करनी होती थी कि मुझे गेम चाहिए, मुझे टॉय चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे बुक्स तो नहीं फाइट करते थे. मतलब बुक्स के लिए तो मना करते थे, भाई ये मत दो मुझे, वो तो होगी. बट एनीथिंग दैट वी वांटेड वी एक्चुअली गॉट इट, चाहे हमें रो के करना हो, चाहे कुछ करके, मतलब वी यूज्ड टू गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी वांटेड. बट इन लाइफ व्हेन वी ग्रो देयर इज समथिंग दैट इज फॉर अस, द मार्क्स, द फाइनल बोर्ड में जो नंबर आने हैं, इन 11th 12th जेईई नीट का एग्जाम है, सीए का एग्जाम है, ऑल दिस इज अ कॉम्पिटिशन जो शायद मुझे लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा. एंड दैट इज अ फाइट विद आवर ओन सेल्फ, हमें अपने आप से छीनना है उसको, और हमें अपने आप से मांगना है, और वहां पे हम फेल कर जाते हैं. सो वी फाइट विद द एंटायर वर्ल्ड बट वी आर एक्चुअली नॉट एबल टू फाइट विद आवर ओन डीमन इनसाइड अस, जो हमारे अंदर छुपा हुआ जो एक शैतान है ना, जो अपने आप को खींचता रहता है कि भाई ये मत कर, मतलब
जैसे हम पढ़ाई करने बैठेंगे भाई एक मैसेज कर ले, जैसी किताब खुलेगा यार अभी भूख लगी, अभी टीवी देख लेते हैं, अभी मूवी देख लेते हैं, अभी वो मैच आ गया, तो 10 बहाने हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं द मोमेंट वी ओपन अ बुक, या नींद आने लग जाती है कुछ नहीं तो. सो बेसिकली बच्चों दिस इज वेयर आई बिलीव दैट दैट्स अ फाइट दैट वी हैव ऑल टू फाइट विद आवर ओन सेल्फ. एंड मतलब बाकी तो मैं छोड़ दूंगा मैम लोगों पे, मतलब जितने रचिता मैम, दिव्यांशा मैम, मतलब गौरव सर, ये सारे जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, आई थिंक आई वुड लीव टू हर सर, मतलब आप लोग कुछ ज्ञान बांटिए, मतलब बट आई रियली रियली आई एम इंस्पायर्ड एंड आई एम हम्बल्ड टू हैव यू स्टूडेंट्स एज माई स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स ऑफ वेदांत. सो रियली थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर पुटिंग योर ट्रस्ट एंड लविंग अस. ओके तो बड़ा मजा आ रहा है ये, आजा आजा, देख रहे हो जनुआ भी आ गया, रह नहीं सकता है दूर हम लोगों से. अरे टीचर्स व्हाट्सअप, कैसे सब लोग, सब बढ़िया? हाय एवरीवन, दिव्याशा रचिता मैम कैसे हो? हाय रे, हाय सर, हाउ आर यू? हाय गाइस, मुझे बाकी से दिख रहे बट गौरव सर, नमस्ते नमस्ते सर, सब मेकअप रूम्स में है ना? हां सर, हेलो सर, अलग अलग मेकअप रूम में है, अलग मेकअप रूम सर. ठीक है, तो इन जनरल गाइस वी आर, जो भी बच्चे इसको यूट्यूब से देखते हैं लाइव स्ट्रीम, मेक श्योर दैट यू रिमेम्बर अबाउट द गिव अवे, इट्स ओनली फॉर 48 आवर्स, इसके बाद नहीं हो पाएगा. तो ये जो अमेजिंग टीचर आपके साथ बैठे हुए हैं, यही लाइव में आपको पढ़ा रहे हैं, अचीवर्स बैच में सारे लोग हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट टू गेट इनटू इट इन दिस 48 आवर्स. ठीक है, तो अभी जो जो बच्चों जुड़ना है, आखिरी एक मिनट है इस हैंगआउट्स में जुड़ने के लिए, मेरे को जुड़ने के लिए. ओके, अर्शु यहाँ पे है और बाकी सारे टीचर्स भी हैं. तुम कहाँ जा रहे हो? हम घर निकल रहे हैं. बोलो. अरे क्या बोल रहे हो? पता नहीं, सॉरी अर्शु की आवाज नहीं आ रही, मैं जा रहा हूँ बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर. सो यूट्यूब चाहते हो ना कि मार धाड़ के जैसे भी इसको रोकी लू? Yes sir. अच्छा, मैं बंदे पकड़ा हूँ, पूरा पकड़ बनाया हूँ. Yes sir. अभी आप जो आज जोर लगा ले, देख लेना कितना बड़ा. Yes sir. Sir, चुटकी काट रहा है, कैसा इंसान है वे, गंदा इंसान है, चुटकी काट रहा है, ये तो चीटिंग है. अभी चुटकी कौन काटता है? तो भाई गाइस, टेक केयर, टेक केयर. अभी तू कैसा गंदा आदमी है? आई नो. ओके ओके पीपल, कैसे हो सारे लोग? शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, मजे में हो? हाय 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 हाय, सारे लोग, बहुत सारे दिख रहे हैं यार, जो दिख रहे हैं ना, आज उससे पहले बात करूंगा, दिखते काम है बच्चे यार.